तो आज है आपका थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने दो टॉपिक कवर कर दिए थे, एक आपको थर्मल कंडक्शन पढ़ा दिया और दूसरा कन्वेक्शन, आज पढ़ेंगे रेडिएशन। ठीक है, ये तीन ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। तो आज की हेडिंग है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन आपने पहले कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है, बल्कि डेली आप फील करते हो। कहाँ पर? धूप में खड़े हो जाओ, है ना, तो आपको क्या गर्मी लगती है? लगती है। बॉडी हीटअप होती है कि नहीं होती है? तो टेम्परेचर रेज कैसे हो रहा है? तो वहाँ पर एक्चुअली आपको हीट ट्रांसफर कौन करता है? बाई मोड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका इंटरवेनिंग मीडियम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका मीडियम के ऊपर, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। क्योंकि अगर सोचो, सनलाइट आपकी वैक्यूम से होकर के आती है स्पेस में, कोई भी आपका मीडियम नहीं है, तो वहां पर वैक्यूम है, तो किसी मीडियम पर डिपेंड होता तो कभी भी रेडिएशन हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए कह रहे हैं कि इंटरवेनिंग मीडियम को डिस्टर्ब ही नहीं करता। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड एंड प्लेस इन वैक्यूम, इट लूजेस हीट इवन व्हेन देयर इज नो मीडियम सराउंडिंग इट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो हीट तब भी लूज करेगा जब कोई मीडियम नहीं है, बिकॉज उस बॉडी से हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम गर्म पानी को किसी आप वैक्यूम के अंदर, चैम्बर के अंदर रख दोगे, आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर कम होगा। रीजन क्या है? वो हीट रेडिएट करता है। क्या करेगा? हीट रेडिएट करेगा रेडिएशन की वजह से, उसमें हीट आपकी क्या होगी? कम होगी। जैसे एक और चीज समझो, जब भी हम बर्निंग करते हैं, है ना, बर्निंग, आग सेकते हो नहीं सेकते हो, तो वहां पर जब आप करते हो तो क्या होता है, सराउंडिंग आपके है लेकिन आप दूर बैठे हो, तब भी तो आपको आंच आ रही है। आप कहोगे नहीं, फ्लेम्स की वजह से होता है। मैं कहता हूँ ठीक है, कोयला जलाया है कभी? कोयला में तो कोई फ्लेम नहीं होता है ना, आफ्टर सम टाइम, तब भी तो वो रेडिएट करता है हीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखिए, हीट कैन नॉट गो आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन, सिंस बोथ ऑफ दीज प्रोसेस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, बिकॉज इन दोनों प्रोसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट विद द जो आपका नेबरिंग मॉलिक्यूल है। मैंने एक वर्ड बहुत अच्छे से बोला, मैंने बोला नेबरिंग मॉलिक्यूल की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन में अगर वाइब्रेट हो रहा, बगल में कोई है ही नहीं, तो कहाँ से हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा ना, सिखाया था ना मैंने कैसे, है ना, वाइब्रेट लॉन्गिट्यूडनली होता है, ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स में नहीं होता है हीट, है ना, और आपका लॉन्गिट्यूडनल में ही ट्रांसफर होता है, तो बगल वाले से कोलिजन करता है फिर हीट, तो अगर बगल वाला है ही नहीं तो नहीं जाएगा ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक चाहिए, है ना, नेबरिंग। आप कन्वेक्शन में क्या होता है, वो अपनी लोकेशन चेंज करेगा, और मॉलिक्यूल है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, लोकेशन चेंज करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये दोनों में बहुत जरूरी है कि मीडियम हो, बट रेडिएशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोर्स एंड द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस बाय विच हीट इज लॉस्ट इन दिस केस इज कॉल्ड रेडिएशन, दिस डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, लिखने हैं इसको। लिखेगा प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पहला लिखिए इसमें, रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ its shadow is formed at the detector.
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड अब देखो ध्यान से, आप मिरर के अंदर बैठे हो, ठीक है, मिरर लगा हुआ है रूम के खिड़कियों में, ठीक है, आप अंदर बैठे हो, ठीक है, और सनलाइट आ रही है, ठीक। हाँ ये बात सही है कि जितनी इंटेंसिटी सनलाइट की बाहर होती है उतनी कमरे के अंदर नहीं होगी, है ना। एक टिंटेड ग्लास आता है ब्लैक कलर का, टिंटेड कहते हैं उसको, है ना, वो क्या होता है उसके अंदर कुछ मीडियम क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जितनी आपकी लाइट अंदर आनी थी, देखो मैं तुम्हें 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है इसमें काफ़ी लोग 12th के देख रहे होंगे, तो उसमें सिंपल सी बात है कि आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको ये भी पता है सनलाइट में तीन अलग अलग लाइट्स होती हैं ना, एक होता है यूवी रे, एक होता है इंफ्रारेड, एक होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो लाइट हो जिससे कि हम आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका होता है इंफ्रारेड, इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, कहते हैं विटामिन डी मिल रहा है ना, हीटिंग जो होता है वो इंफ्रारेड की वजह से होता है। फिर एक होता है यूवी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये तीनों जो हैं रेज मिलकर के सनलाइट बनती है, ठीक है। अब जब भी वो मीडियम को क्रॉस करती है, जनरली 10th क्लास के जितना नॉलेज आपके पास है उसके हिसाब से यू नो कि लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, राइट। तो रिफ्रैक्शन अगर देखो यहाँ पर, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती तो कभी भी आप ग्लास के अंदर बैठे हो, सोचो अगर रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता तो कभी क्या सनलाइट अंदर आती, नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों फिनोमेन नहीं है, अगर वो मीडियम को फिर भी कहते हैं कि ये दोनों फिनोमेन के बिना वो पास कर पाता, नहीं कर पाता क्योंकि ओपेक हो जाता, फिर तो वही बात हो जाती है ना, कहते हैं कि ग्लास ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, हमने कहा रिफ्लेक्शन भी नहीं होने देंगे और रिफ्रैक्शन भी नहीं होने देंगे, तो हीट तो ऐसा है ना, फिर तो ग्लास फट जाएगा कुछ देर बाद, फटेगा कि नहीं फटेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अगर आपकी हीट हो रही है, गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद वो क्रैक हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, जो भी आपका कंडीशन है। तो ये तो क्लियर है, कंजर्वेशन ये कहता है कि हीट को, एनर्जी को कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऐसा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, ऐसा इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होता है तो साथ में एक रिफ्लेक्शन भी होता है, जिसके कारण तुम्हें जब ग्लास के अंदर बैठे रहते हो तो तुम्हें उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गर्मी तुम्हें ग्लास के बाहर लगती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ आपके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट होकर के अंदर आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से, तो यहां लिखिए इट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और कैन बी मेड टू इंटरफेयर और कैन बी, अब ये क्या है यार, इंटरफेरेंस है किसका, आपने पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, वहां आप सीखेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस एक पैटर्न होता है, ठीक है, डार्क और लाइट का पैटर्न मिलता है हम लोग को, तो इंटरफेयर की बात हो रही है। तो जो हीट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से होता है जैसे आपका किसी लाइट का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम हीट पढ़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इंफ्रा की बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है हीटिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि जैसे ही आपका रिफ्लेक्शन होता है सन विजिबल लाइट का टकरा करके चली जाती है किसी और दिशा में, वैसे ही आई रेज भी, इंफ्रारेड रेज भी ऐसे ही आपके टकरा करके चली जाती है, तो सेम तरीके से ये होता है, ठीक है। इसको लिखवाऊंगा नहीं लेकिन मैं, ठीक है। आगे थर्ड, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लिख लीजिए इसको, ठीक हो गया। आगे बढ़ जाएं, अरे ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ तेरा, क्या कहें, चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया,
इसमें सब नहीं लिखना है, इसको लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, बेकार में नोट्स खराब होगी। ये लिखिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलोज द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। यहाँ पर थर्मल रेडिएशन कैन बी पोलराइज, अभी पोलराइजेशन ये सब आपको पता है एरियोटिक्स ट्वेल्थ में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पोलराइज पता क्या होता है, जैसे ये समझ लो कोई भी विजिबल लाइट ना, वो हर डायरेक्शन में उसके क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जब आपका एक्सपेंशन होता है वो हर डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कमरे में ये लाइट जल रही है तो हर दिशा में जा रही है कि जा रही है। अब से समझो कि ये भी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मैंने कहा मुझे सिर्फ वही वाले आपके पार्टिकल चाहिए जो कि इस तरीके से चल रहे हैं, है ना, बाकी हमें नहीं चाहिए। देखो एक बीम ऑफ लाइट में ढेर सारी रेज होती है, एक सिंगल रे के जो ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 100 रे है तो वो बनती है एक बीम, कलेक्शन ऑफ ऑल रेज क्या बनता है, एक बीम बनता है। तो इसे मान लो ये सारे आपके क्या है रेज, मैंने कहा मुझे सिर्फ वही रेज चाहिए जो इस ओरिएंटेशन में हो, बाकी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ क्रिस्टल आते हैं, है ना, जिससे क्या करते हैं, जैसे जो ग्लास होता है ना, जो आपके कार का ग्लास होता है, तो उसमें देखो कभी कभी आपके सामने से कार आ रही है तो आपके एकदम ग्लेयर आता है आंखों में, जो ग्लेयर कहते हैं ना, चौंधिया जाते हैं आपके, कुछ नहीं दिखता, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो एक्चुअली जब आप कार के अंदर बैठते हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक पोलराइज्ड ग्लास लगता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ वही रेज आपकी तरफ पहुंचने देता है जिससे कि आपकी विजिबिलिटी खत्म ना हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाकी सारे को ब्लॉक करेगा, ठीक है, बाकी सारे को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, इसी कहते हैं पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं? अब वो कैसे अचीव करते हैं, वो अगले साल की बात है, तो अगले साल में ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे एज हीट बाई ट्रांसमिशन, तो जब मैंने लाइट की बात करी तो कह रहे इसी प्रकार से हीट को भी पोलराइज कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही सारे रेज के साथ सारी हीट इंफ्रारेड रेज भी होंगे साथ साथ में, तो जब आपने ये सारी रेज को रोक दिया, ठीक, तो इसका मतलब ये वाली जो इंफ्रारेड थी वो भी रोक दी, तो हीट भी रुक गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हीट को भी हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं थ्रू अ निकोल ब्रिज, जो हम क्रिस्टल की बात कर रहे थे वो कौन सा है, निकोल ब्रिज, समझ में आ रहा है। आगे रेडिएशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, रेडिएशन आप तीनों में अचीव कर सकते हैं, लिख डाली फटाफट। जब हो जाए तो बताना, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर वाले ये पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखूं जितना टाइम लगेगा। All these and many other properties establish the heat radiation as nearly all the properties possessed by light। तो कह रहे हीट रेडिएशन के पास वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो एक विजिबल लाइट के पास होती है, ठीक है। आगे देखिए also EM waves, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, with the only difference of wavelength or frequency, the wavelength of thermal radiation is larger than that of visible light. सिर्फ एक difference पाया जाता है कि जो wavelength होती है किसकी, thermal radiation की, वो ज़्यादा होती है compare to, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा wavelength से इतना तो समझ सकते हो तुम लोग, I think अभी पढ़ना है हम लोग को waves and oscillation। तो wavelength क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है या वो लेंथ होती है जिसके बाद क्या होता है, आपका ग्राफ रिपीट करता है। तो मतलब वेवलेंथ इस जो अभी बनाया मैंने वो कैसा होगा उसका, यही तो होगा। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड घट जाए या फिर रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज कर जाए, मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जिस रेट से, जैसे देखो वेवलेंथ छोटी कब होगी, जब ये ऐसे ऐसे होने लगे, है ना, देखो गैप कम हो गया, है ना, बड़ा कब होगा, इसी मनाते हैं गैप बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ चेंजेस चेंजिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेवलेंथ अगर इसका ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू एनी मीडियम देन रेडिएशन स्लाइटली एब्जॉर्ब बाय मीडियम अकॉर्डिंग टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर, ये सब लिखना जरूरी है। सो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम स्लाइटली इंक्रीजेस, इसीलिए जो आपका सीसा होता है अगर गर्मी में उसको टच करोगे तो गर्म हो जाता है। अभी फील किया, कभी टच ही नहीं किया, कर लेना। अभी ये जो शीशा है इसको टच करके देख लेना, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली सराउंडिंग के, समझ में आ रहा है। कंटिन्यूअसली उससे सनलाइट पास हो रही है तो कंटिन्यूअसली वो हीटिंग भी उसको प्रोवाइड
कर रही है, तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के हिसाब से इसकी टेम्परेचर में चेंज आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट. ठीक है, एंड व्हाट एल्स यू हैव टू राइट, ये वेवलेंथ वाली बात सिर्फ लिखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जब मैंने रेट ऑफ चेंज बोला बेटा, तो अच्छा ये चीज बताओ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? सोचो सोचो, अगर ये 50 हर्ट्ज बोलता हूं तो 50 बार चेंज होता है. हाँ अब बोला इसने सही, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना भाई, तो चेंज कम हो जाएगा ना. तो जब चेंज कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ कैसे सकती? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया. In order to obtain a spectrum of radiation, a spherical special prism is used, like KCL prism, rock salt prism, या फिर fluorspar prism, normal glass prism or quartz prism cannot be used because it absorbs some radiation. Spectrum क्या होता है? अरे हमने बनाया है ना रेनबो, है ना? तो वो क्या होता है? उसमें अलग अलग कलर्स स्प्लिटिंग कर देते हैं जो, है ना? तो हमने प्रिज्म के अंदर पहली बार देखा था रेनबो इफेक्ट जो बनता है, वेव ग्यूर वाला पैटर्न. ठीक है, ये आपको लिखने हैं. लास्ट वाला यू कैन स्किप इट बिकॉज़ वो फिर मौका मिलेगा पढ़ने का ट्वेल्थ में, तो ये आप छोड़ सकते हैं, बट ये जरूर लिखिएगा. और ऊपर का वो लिख लीजिएगा वेवलेंथ वाली बात. ठीक है, अब किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द रेडिएशन? उसका नाम होता है बोलोमीटर. यस, यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड विद स्पेसिफिक डिवाइस नेम्ड एज बोलोमीटर. ठीक है, हीट रेडिएशन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन इंफ्रारेड. मैंने ऑलरेडी ये सब बता दिया, यू कैन स्किप इट क्योंकि मैं हटवा दिया हूं इंफ्रारेड बोल बोल के, है ना? ईएम वेव स्पेक्ट्रम, सो दे आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेज. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया आई थिंक, है ना? आप स्किप कर भी सकते हो और चाहो तो लिख सकते हो. थर्मल रेडिएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन एग्जर्ट प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू हैव टू राइट इट. ठीक है, एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस विच इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर. क्वेश्चंस में ये टर्म मिलता है बार बार, तो पता होना चाहिए किस चीज की बात हो रही है. समझ में आ रहा है? चलिए इतना कर लीजिए, डन हो जाएगा. अब इसका पढ़ेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है. ठीक है, ठीक, जब एब्जॉर्प्टिव पावर है तो एमिसिव पावर भी एग्जिस्ट करेगी. हो गया ये? तो एब्जॉर्प्टिव और एमिसिव दोनों वर्ड मैंने साथ में क्यों बोले? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिसिव मतलब वो रिलीज कर रहा होगा. तो एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, इट इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लिखा हुआ है क्यू ए, इसका सिंबल होता है क्यू ए. ठीक है, ये आपका टोटल हीट आपका वो क्या है, एब्जॉर्ब जितनी हुई हीट और ये टोटल हीट इसने हमने सप्लाई करी या फिर इंसिडेंट करवाई. ठीक है, इनके रेशियो को ही कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एब्जॉर्प्टिव पावर. और ये कैसी है? ऑब्वियसली ऊपर भी हीट है नीचे भी हीट है, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल. तो कट ही जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगा, है ना? ये कैसी क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था ना, रिविजन करते रहा करो दिमाग में, ये रेशियो टाइप ऑफ क्वांटिटी है. मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी पढ़ाई थी बहुत पहले, है ना? तो ये कैसी क्वांटिटी है? रेशियो. रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें यूनिट और डायमेंशन दोनों नहीं हो सकते. जैसे आपका स्ट्रेन हो गया, है ना? स्ट्रेन में भी नहीं पॉसिबल है चेंज इन जो भी पैरामीटर है अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर. तो यूनिट दोनों की हमेशा सेम रहेगी, चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें, चाहे हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, चाहे हम सुपरफिशियल या फिर सरफेस की बात करें. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर लिखी है. चलो लिखो इसमें, इट इज नोटेड बाय ए लैम्डा, स्मॉल ए लैम्डा इक्वल टू क्यू ए लैम्डा अपॉन क्यू लैम्डा. इसमें क्या अंतर होता है? देखो इसमें हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, इसमें इंफ्रारेड रेज जा रही है, इसमें सातों कलर हैं. जब भी वर्ड यूज होता है, एक वर्ड होता है बार बार यूज होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट. मतलब मोनो मतलब सिंगल, है ना? सिंगल कलर लाइट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखिए ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक
आपकी व्हाइट लाइट होती है, सनलाइट पहले सुन लो, सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट सात कलर से बन के मिलके बनती है जो कि होता है विवग्योर। विवग्योर का फुल फॉर्म पता है ना, ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, और उसको कोफिशियंट भी लिख सकते हो। और ये वही बात हो गई, एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर। यहां पर पावर के नीचे और करके कोफिशियंट, ठीक है। अगर हमें वेवलेंथ पता हो तो एट अ गिवन वेवलेंथ, एट अ गिवन वेवलेंथ a lambda is equal to a is equal to a lambda t lambda और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 to infinity। ठीक है, नोट करिए इसका, लिखिए फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। अब इसके बाद ब्लैक बॉडी भी पढ़ेंगे क्या होता है। फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी a lambda is equal to a is equal to 1। डन, हो गया सबका। अब ये पता ही है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो वो नहीं लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एमिसिव पावर। हेडिंग लिखिए एमिसिव पावर, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन by unit surface area in unit time या फिर unit second। At a particular temperature, अब आगे लिख लोगे ना, is known as emissive power। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट तो आपको पता ही है क्या होगा, डेफिनेशन में पता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन मतलब क्या हो गया, जूल पर एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड को वॉट लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको समझ नहीं आता कैसे मैं कर देता हूं उसके लिए बताता हूं बेटा, पावर यूनिट क्या होती है वॉट, और पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला एमएससी पावर का है वो क्या है, अब देखो यही सब होता है, हम फॉर्मूला लिखवाया नहीं है इसका, क्वेश्चन में आ जाएगा कहोगे सर ने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, अरे भाई डेफिनेशन भी तो पढ़ लो। ठीक है, तो क्या है क्यू अपॉन ए इंटू टी है ना, जहां पर ए क्या है यूनिट है, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, और यहाँ सेकंड के लिए हो जाएगा तो ये भी सेकंड हो जाएगा वन है ना, इसलिए तो फॉर्मूला था, लेकिन पावर का यही होगा। तो ये देखो क्या हो गया, क्यू अपॉन टी इज व्हाट योर पावर ना। ठीक है, तो पावर अपॉन एरिया, तो पावर को मैंने क्या कर दिया वॉट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ई लैम्डा से नोट करते हैं इसको। ठीक है, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन Thank you.
अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट एरिया एमिटेड बाय यूनिट एरिया। अब मैंने यहां क्या कर दिया, फिक्स कर दिया टाइम को इन वन सेकेंड। सिर्फ मैंने कहा कि यहां पर सिर्फ टाइम कितना हो सकता है, वन सेकेंड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब उस वाले में इसमें अंतर क्या है, इसमें हमेशा क्यू अपॉन वन और वन ही हो सकता है ना, यूनिट चेंज हो सकती है, मीटर स्क्वायर होगा और वहां पर वन सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखिए, देन रिलेशन क्या होगा E और E लैम्डा का, जैसे हमने A और A लैम्डा का निकाला था, क्या आ जाएगा, E is equal to 0 to infinity E lambda d lambda, ठीक है। इसे कहते हैं MSE पावर या फिर टोटल इन यूनिट स्पेक्ट्रम रीजन। मैं इसको मिटा दूं कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्लियर हो गया ना ये सब। मैंने यहाँ पर थर्मल रेडिएशन को क्यू से ही नोट किया, मैंने हीट के फॉर्म में किया है, लेकिन वो समझाने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया टोटल एमिसिव पावर, क्या हो गया टोटल एमिसिव पावर, डन। आगे बढ़ जाएं, यूनिट क्या होगी, चलिए यूनिट बताइए, यूनिट बताइए इसकी, आराम से हो जाएगा, ध्यान सोच हो जाएगा, बता। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये तो इसका तो होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर एक और आ जाएगा वेवलेंथ की वजह से स्टॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। अब आगे एमिसिविटी, हेडिंग लिखियो एमिसिविटी, आगे बढ़ जाए, लिखिए इसके अंदर एब्सोल्यूट एमिसिविटी और एमिसिविटी, रेडिएशन एनर्जी गिवन आउट बाय अ यूनिट सरफेस एरिया, रेडिएशन एनर्जी गिवन आउट बाय अ यूनिट सरफेस एरिया area of a body in unit time of a body in unit time in unit time। अच्छा सुनो एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि लिखने से याद जल्दी होता है, ये बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है, हमें कई बार चीज़ समझ में आती है लेकिन बिना लिखे वो निकल जाती है दिमाग से, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग टू यूनिट चलिए आगे बढ़े, corresponding to unit temperature difference with respect to the surrounding is called
ये हो गया सिंपल है रेडिएशन एनर्जी गिवन आउट. अब वही देखो चल सब एक ही रहा है, समय बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं. अरे स्टार्टिंग से देखो ना रेडिएशन एनर्जी प्रेजेंट एरिया कंज्यूम टाइम किया पहले फिर एक सेकंड कर दिया है ना, समय क्या कर रहे हैं हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं. इसमें क्या कर रहे हैं गिवन आउट बाई यूनिट सर्फेस, गिवन आउट बाई यूनिट सर्फेस दे रहा है ठीक है. अभी इमेसिविटी पढ़ रहे हो आप, इमेशन पढ़ रहे हो, पीछे एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, पहले हम दे रहे थे हम ले रहे हैं ठीक है. फिर वाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर यूनिट मतलब मैंने कैसे कहा था कि वन है ना. फिर टू यूनिट टेम्परेचर वो भी वन, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा पहले और बाद में, मतलब कि उसने जब एनर्जी देना स्टार्ट किया तो पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में एक डिग्री कम होना चाहिए या एक केल्विन कम होना चाहिए या फिर एक आपका जो है दूसरे पैरामीटर में भी आपका कम होना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फारेनहाइट वो दिमाग में नहीं आता फारेनहाइट ठीक है. तीन ही होते हैं आगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज होना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके ये कहलाएगा एमिसिविटी. समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए. अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट में क्या चेंज हुआ, वॉट पर मीटर स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया केल्विन. अरे वॉट ही तो जूल पर सेकेंड, मतलब साथ में एक और चीज ऐड हो गई टेम्परेचर ठीक है. तो ये है इसका. अरे यार ये लिखते टाइम ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि वो डिनोमिनेटर में है इस तरीके से ठीक है. एंगस्ट्रॉम में भी मल्टीप्लीकेशन में था, वो न्यूमरेटर का था ठीक है. डन, चल रिलेटिव इमिसिविटी लिख लिखिए. ई आर इज इक्वल टू क्यू जी बी, अभी मैं लिखाऊंगा इसका मतलब क्या है ठीक है, अपॉन क्यू आई बी, आइडियल ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी, ये होता है इसका मतलब ठीक है. इज इक्वल टू ई जी बी अपॉन कैपिटल ठीक है. समझ में आ रहा है, आई बी मतलब क्या होता है आइडियल ब्लैक बॉडी और जी बी का मतलब ग्रे बॉडी या फिर जनरल बॉडी, ऐसे बॉटल ये क्या है ग्रे बॉडी है जनरल बॉडी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए उनसे हम कंपैरिजन करते हैं ठीक है. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एमिटेड रेडिएशन, ये हो जाएगा एमिटेड रेडिएशन बाय ग्रे बॉडी अपॉन एमिटेड रेडिएशन बाय आइडियल ब्लैक ठीक है. इनके रेशियो को कहते हैं रिलेटिव एमिसिविटी, कंपैरिजन जब होने लगे. यूनिट होगी कभी नहीं होगी, यूनिट होती ही नहीं है इसकी है ना, क्यों नहीं होगी रेशियो क्वांटिटी है सर ठीक है. ई आर की वैल्यू क्या होगी फॉर आई बी बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा वन ठीक है, क्योंकि उसी से तो कंपेयर करते हैं हमारा पैरामीटर क्या. देखो ये वन कैसे आ रहा है, अरे न्यूमरेटर नॉमिनेटर तो सेम हो जाएगा. अरे बाबा आप कंपेयर कैसे करते हैं, आई बी बी से कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर में भी आपका जिसके लिए निकाल रहे हैं वो भी आई बी बी के लिए आ जाएगा, तो ऊपर नीचे वैल्यू सेम रहेगी तो रेशियो में से क्या आएगा वन, क्योंकि वही तो हमारा पैरामीटर है कंपेयर करने का ठीक है. रेंज कहाँ से कहाँ तक, ई आर की वैल्यू हमेशा बेटा जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी, इससे कम नहीं होती ठीक है. अब रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग स्पेक्ट्रल का एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव, इन तीनों का पावर का एंड ट्रांसमिटिव पावर, इन चारों का एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं ठीक है. सर आईबीबी क्या होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी बोला तो देखो लिखा भी है ठीक है. ग्रे बॉडी मतलब कोई जनरल बॉडी होता है, स्पेशल टाइप की बॉडी होती है, पढ़ेंगे पर्टिकुलर हेडिंग है आईबीबी वो पढ़ेंगे ठीक. हो गया चलिए नेक्स्ट. स्पेक्ट्रल एमिसिव एब्जॉर्प्टिव एंड ट्रांसमिटिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी सरफेस, अब इसका हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं ठीक है. ये हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, लिखिए ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी फॉलोइंग फेनोमेनन अकर बाय व्हिच द रेडिएशन इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट. पहला क्या होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या होता है ट्रांसमिशन. तो अब मैं फिर से अपने पुराने सेंटेंस को रीफ्रेज कर रहा हूँ. कैसे, मैंने क्या बोला था कि जब आप शीशे के अंदर खड़े होते हो तो आपको उतना हीट नहीं फील होता है या उतना टेम्परेचर रेज नहीं होता है बॉडी का जितना आप खुले आसमान के नीचे खड़े होते हो राइट. अब मैंने कहा था ग्लास के ऊपर क्या बोला था मैंने, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है और
रिफ्रैक्शन, लेकिन मैंने एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करी। जब मैंने एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है जिसकी वजह से एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली तीन फिनोमेना अगर हो रहे हैं जब आप किसी भी एक ग्लास चैम्बर से जब आपकी रे इंसिडेंट होती है और वापस से वो आपको दूसरे सरफेस दूसरे फेस की तरफ उसको एमिशन उसका होता है तो एक्चुअली कितने फिनोमेना हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका रिफ्लेक्शन। क्या होगा पहले, यहां से क्या बनाएंगे सर, आप नॉर्मल बनाएंगे, है ना, ये इसकी थिकनेस हो गई ग्लास टाइप की, तो ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से, है ना। लेकिन क्या ये कंप्लीटली हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो हमने कहा अमाउंट ऑफ इंसिडेंट कितना है आपका रेडिएशन क्यू, रिफ्लेक्ट कितना हुआ मैंने कह दिया क्यू आर, क्यू आर इज लेस देन क्यू मतलब कुछ एक्स्ट्रा बच गया, और वो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लास के अंदर जाएगा, है ना। अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इन बाय द रेडिएशन हम यहाँ लिख देते हैं क्यू ए, क्यू ए क्या है, इतना अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब हो गया, क्यू ए प्लस क्यू आर इज स्टिल लेस देन क्यू। मैंने फिर से बोला, सुनते जाना ध्यान से लिख लेना, मैंने बोला क्यू आर और क्यू ए को एड करने के बाद भी मैंने पाया कि इसकी जो टोटल हीट है वो Q से कम है, इसका मतलब कुछ अभी भी बचा हुआ है, वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, इसका ओरिजिनल पाथ बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, ये नहीं सही बना, हो गया ना, अच्छा फिगर बना रहे हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल पाथ है लेकिन ऐसा ही होगा, उसको मिटा देंगे हम, यहाँ से फिर से नॉर्मल बनेगा और ये होगी तुम्हारी, फिगर अच्छा बना ना भाई, फिगर अच्छा बनाओगे अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। नहीं बनाओगे खाना पूर्ति करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, दिस इज आपको पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ही यहाँ पर हिट करेगा, और ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमेशा पैरेलल होगा किसके, क्यू वाली इंसिडेंट रे के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्यू टी क्या है, ट्रांसमिटेड, ये कैसी पावर है, क्यू टी ट्रांसमिटेड पावर, अब मैं सबको नोट कर देता हूँ, क्यू आर क्या है, क्यू ए क्या है और क्यू टी क्या है, लिख लीजिए, पहले लिखिए अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, फिर अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, समझ में आया, ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक, नोट कर लें फटाफट। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, यही लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके, ये परफेक्ट फिगर बन गया, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने ये पाया कि कितने टुकड़े हो गए आपके टोटल, इंसिडेंट हुआ था क्यू, इसके तीन टुकड़े हो गए, एक क्यू आर, एक क्यू ए और एक क्यू टी, समझ में आ रहा है। तो क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस, ठीक है, अगर मैं चाहूं इनके रेशियो को क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो देन इट विल बी क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे, आर ए और टी को, आर क्या होता है, रिलेटिव कोफिशियंट, है ना, ए क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट, और टी क्या होता है, ट्रांसमिटिव कोफिशियंट, ये क्या हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू वन, ठीक है।
अरे एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ाया था, रिफ्लेक्टिव पावर हो गया, आर हो गया, तो रेशियो क्या था? देखो फिर से वापस रिवीजन कराना पड़ेगा, याद नहीं रहता तुम लोग को। ये देखो इसको क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्यू टी अपन क्यू क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटिव पावर या ट्रांसमिटिव कोफिशियंट। और क्यू आर अपॉन क्यू क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव कोफिशियंट या फिर रिफ्लेक्टिव पावर। सिंपल है ना, ये ऐसे हो गया। इन दोनों का रिलेशन लिख डालो, R is your, ये लिख दूं क्या? Where R is your reflective coefficient, क्या हो जाएगा? Reflective coefficient। और A क्या हो जाएगा? Absorptive coefficient, ठीक है। And T क्या हो जाएगा? Transmitted coefficient। डन, नोट कर लीजिए। डन हो गया भाई, जल्दी करो थोड़ा। चलो ये मैंने पढ़ा दिया, यही तो पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। अब सीधे आगे लिखिए, इफ आर इज इक्वल टू वन, इफ आर इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज आर प्लस ए प्लस टी और हमेशा क्या होना चाहिए? वन के बराबर। अगर ऐसा कभी होता है तो बॉडी कैसी होगी? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। देन बॉडी इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। दिस इज कंडीशन फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन एंड टी इज इक्वल टू जीरो, देन बॉडी इज या फिर आइडियल भी कह सकते हैं। ठीक है, और यही होता आईवीबी। दिस इज योर आईवीबी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ आईवीबी, आइडियल ब्लैक बॉडी। हाँ मैं जान गया, ठीक है। लास्ट क्या है? इफ, ठीक है, देन बॉडी इज ठीक है, छोड़ रहा हूँ बस, एक ये तो हो जाए आदत। ठीक ठीक है, हम छोड़ें जाइए। अच्छा रिफ्लेक्शन पावर अगर निकालना हो हमें तो क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू इंटू, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एब्जॉर्प्टिव पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एब्जॉर्प्शन देखा, क्यू ए अपॉन क्यू इनटू 100, ठीक है। एंड लेस नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिव पावर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपके आईबीबी, आइडियल ब्लैक बॉडी। चलिए 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।
चलिए देखिए, अ बॉडी सरफेस विच अब्जॉर्ब और इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था ना तीन प्रकार की, परफेक्ट रिफ्लेक्टर पढ़ा, फिर क्या लिखा हम लोग ने, आईबीबी पढ़ा, आइडियल ब्लैक बॉडी जो पूरा कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें हमने क्या पढ़ाया था, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेवलेंथ एंड इमिट्स आउट ऑल दीज अब्जॉर्ब रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर इज अज्यूम्ड टू बी एन आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या कह रहे हैं, एमिसिविटी तो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन लो टेम्परेचर पे सारा सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है और हाई टेम्परेचर पे वो सारा सारा रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है आपकी, जब जो भी बॉडी कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं आईबीबी या फिर आइडियल ब्लैक बॉडी। द आइडेंटिकल पैरामीटर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू ए लैम्डा इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 एंड एमिसिविटी इज योर रिलेटिव एमिसिविटी इज 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक, लिख लिया। अब देखो हो क्या रहा है, इधर देखो ध्यान से, इसका देखो पूरा पूरा जो आपका ये स्फेरिकल शेप है ना, रिंग शेप आपको साइड से दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर से एक ओपनिंग है, यहां से आप क्या कर रहे हो, एक बार लाइट रे आपकी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। असल क्या हो रहा है, देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, जितनी कोलिजन होंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, और इसके बाद जब वापस एग्जिट करेगा तो क्या हाई टेम्परेचर पे नहीं करेगा। तो ये होता है आपका आईबीबी का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? The nature of emitted radiation from surface of IVB only depend on its temperature. The radiation emitted from surface of IVB are called ether. ठीक है, यहाँ पर ether, ether लिखा हुआ है, ether नहीं है वो, either full or white radiation, इसको check करते हैं यार, हाँ ठीक है, सही। At any temperature, the spectral energy distribution curve for surface of an IVB is always continuous. And according to this concept, if the spectrum of a heat source obtained is continuous, then it must be a ideal black body like kerosene lamp, oil lamp या फिर heating filament, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके IVB। ऐसा कोई भी स्पेक्ट्रम जो आते हैं कंटिन्यूस अगर बन रहा है तो वो कैसा कहलाता है, वो IVB, ठीक है। हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली दो ही आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, पहला होता है आपका फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी और दूसरा होता है वेन्स आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एट लो टेम्परेचर सरफेस ऑफ आईबीबी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एट हाई टेम्परेचर इट प्रूव्स टू बी अ परफेक्ट एमिटर। मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीटली हीट को पूरी कंप्लीटली एमिट कर देता है, इसलिए ईआर की वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक है। एट आईबीबी एंड आईबीबी नीड नॉट टू बी ब्लैक कलर जैसे कि सन, जरूरी नहीं है कि आईबीबी क्या हो आपका ब्लैक कलर का हो, जैसे ब्लैक बॉडी नाम सुनिए तो ब्लैक कलर का कुछ होगा, तो जरूरी नहीं है। सन क्या है आपका, आइडियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। देखो कितना हाई टेम्परेचर पे वो हीट को एमिट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया ये, चलिए नेक्स्ट। प्रिमोस थ्योरी ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज, हेडिंग डालिए, ठीक है। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू प्रिमोस, एट every possible temperature except 0 Kelvin, there is a continuous heat energy exchange between a body and its surrounding and this exchange carry for an infinite time. अच्छा, अब ये बताओ यार, जैसे अभी जैसे हम लोग ने ये बड़ा जैकेट वैकेट पहन रखी है मैंने, है ना, अभी अब जैकेट वैकेट उतार दिए है ना, तो फिर क्या लगेगा आपको, ठंड लगने लगेगी, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है यार, सराउंडिंग क्या कर रही है, हीट मेरे से मैं इमिट कर रहा हूँ, मैं एमिटर की तरह हो गया बिकॉज मेरा टेम्परेचर ज्यादा है। मैंने बताया ना हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अभी यही गर्मी हो जाए, सराउंडिंग ज्यादा गर्म हो जाएगी और मेरी बॉडी क्या कूल रखना चाहती है अपने आप को, तो क्या होगा, पसीने आने लगेंगे। पसीने क्या आते हैं, पसीने पता क्यों आते हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। हम लोग का एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए जिसको बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, अगर उससे ज्यादा होगा तो हम अनस्टेबल होने लगते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फटाफट कहते हैं भैया कपड़े उतारो भैया गर्मी लग रही है ना। तो कपड़े उतारने क्यों है, क्योंकि आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करना है ना। The relation between temperature difference of a body, इसका मतलब प्रिवो साहब ने ये बोला कि जीरो केल्विन को छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी टेम्परेचर होगा तो वहां पर हीट ट्रांसफर कंटिन्यूस होता रहेगा और ये इन्फिनिट टाइम तक होता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा होगा कि आपका हीट फ्लो होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्या कह रहे हैं, बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी विद इट सराउंडिंग डिसाइड वेदर द बॉडी एक्सपीरियंस कूलिंग इफेक्ट। यही तो मैं बता रहा था अभी, कि ये डिपेंड करता है सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से कि हम कूलिंग फील, जैसे इस समय सराउंडिंग लो टेम्परेचर है ना,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलिंग फील कर रहे हैं ना, और यही अगर समर्स आ जाएंगे 45 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा सराउंडिंग का, तो हमें गर्मी लगने लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। व्हेन अ कोल्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन द हॉट सराउंडिंग द बॉडी रेडिएट्स लेस एनर्जी एंड एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें से वही लिखना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट, ठीक है? उसके बाद ये वाली बात हम लोग को पहले से ही पता है, ठीक है? नो नीड टू राइट इट। कोल्ड बॉडी को अगर प्लेस करते हैं सराउंडिंग के, शॉर्ट में लिख सकते हो कोल्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन हॉट सराउंडिंग, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, इसके ब्रैकेट में लिखोगे बॉडी रेडिएट्स लेस एनर्जी एब्जॉर्ब्स मोर, ऐसे करके शॉर्ट में एक लाइन में, वन लाइन में बनाना सीखो, ठीक है? ऐसे खत्म हो जाएगा वो। जब हो जाए तो मुझे बताना यार, फ्री के पैसे मिल गए। लो, अच्छा तुम चंदा लो। लो भाई, तुम लो 4 रुपए एक एक करके बांट लेना, सिक्का काटना मत बस, ठीक है? दो दो का है। चलिए नेक्स्ट। When a hot body plays in cooler, ये भी लिखने की उतनी सा जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट लिख सकते हैं कि हॉट बॉडी को अगर हम क्या कर देंगे, कोल्ड सराउंडिंग में रख देंगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा रेडिएट करेगी और कम कम एब्जॉर्ब करेगी, है ना? और ये हो जाएगा आपका कूलिंग इफेक्ट। When temperature of body is equal to temperature of surrounding, तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। तो कह रहे हैं जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके बॉडी के तापमान के बराबर होगा, तो ये नहीं कह रहे हैं कि हीट एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि प्रयोग साहब की अलग थ्योरी है। वो कहते हैं सिर्फ 0 केल्विन को छोड़ के बाकी हमेशा होता रहता है, वो बात अलग है कि जितनी हमने एमिट करी उतनी हमने एब्जॉर्ब भी कर ली, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी रेगुलेटेड है, हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्हें ये नहीं बोला कि ये आपका हीट का फ्लो रुक गया, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। हमने जब हीट पढ़ा था उसमें कहा था कि हीट फ्लो होता है हायर से लोअर, और इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में हीट फ्लो नहीं होता है, लेकिन हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हीट फ्लो तो हो रहा है, लेकिन जितना जा रहा है उतना ही आ भी जा रहा है, इसलिए कॉन्स्टेंट है। तो ये वाला लिखना जरूर, ठीक है? ये वाला, ठीक। बाय द बॉडी देयरफॉर इट्स टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, हेंस नो हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट आर सीन। ऐसा दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्विलिब्रियम ये लिख लीजिए फटाफट। जल्दी करिए बेटा, हो गया तो बताइए मुझे। एक दिन बैठेंगे फिर हम देखेंगे जो है वो रिपोर्ट वाली होती है ना, साल भर की रिपोर्ट सब दिखाएंगे। चलिए एक हेडिंग इसमें मिसिंग है वो लिख लीजिए, जरा मैं पीपीटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? हेडिंग डालिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ देयर स्पेक्ट्रम द रेशियो spectral
एमिसिव पावर टू द स्पेक्ट्रल पता है ना, ई लैम्डा आपने पढ़ाया था मैंने, फिर ए लैम्डा पढ़ाया था, तो एब्जॉर्प्टिव में ए लैम्डा हो जाता है और इसमें ई लैम्डा हो जाता है ना, एमिसिव में स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी। कैपिटल ई लैम्डा ऑफ द आइडियल ब्लैक, ध्यान रखना दो बार रिपीट होता है तो स्मॉल ई लैम्डा कैपिटल ई लैम्डा सेम नहीं है। स्मॉल ई लैम्डा किसी भी ग्रे बॉडी का एमिसिव पावर है, कैपिटल ई लैम्डा हमेशा आइडियल ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर है। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन मिल गया कि ई लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी दो बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है दोनों बॉडी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब हो गया, अगर कोई भी दो बॉडी है e lambda upon a lambda of body gray body 1 is equal to e lambda upon a lambda of gray body 2, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट को 1 मान लें तो वी कैन रिलेटेड e lambda इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lambda फॉर एनी बॉडी। ठीक है, यहां से कह सकते हैं गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, जैसे कि रेज, जितना अच्छा वो एब्जॉर्ब करता है उतना अच्छा वो एमिट भी करता है, दिन में एब्जॉर्ब करता है रात में एमिट कर देता है ना। एंड बैड एब्जॉर्बर आर बैड, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। नेक्स्ट सेटिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, आगे बढ़े। यस, पहला है फ्रॉनहोफर्स लाइन। देखिए यहाँ पर फ्रॉनहोफर लाइन था डार्क लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन व्हेन व्हाइट लाइट एमिटेड फ्रॉम द सेंट्रल कोर ऑफ द सन फोटोस्फीयर पासेस थ्रू इट इट्स एटमॉस्फेयर क्रोमोस्फीयर सम ऑफ द रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस। अब फिर से सुन लो हुआ क्या, अभी थोड़ा सुनने में तो फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर क्या ही क्या बात कर रहे हैं ना। तो एक चीज बताओ, स्फेरिकल शेप का है तो हर दिशा में स्फेरिकल आपका निकल रहा होगा, तो जो वेव फ्रंट तुमने पढ़ा होगा सीनियर्स ने, मैं तुम लोग से बात करता हूँ अलग भाषा में सिंपल। जैसे मान लो कि 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 ऐसे सर्कुलर फॉर्म में हैं या स्फेरिकल फॉर्म में हैं, ठीक है, और 10 को जब मैं छोड़ूंगा मैं कहूँगा गो, उनकी रेज जब स्टार्ट होगी तो हमेशा सेंटर जो मैंने जहाँ पर सब जाके जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे ये उंगली है ना, ये देखो उंगली बन रही है ना, एक सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा बीच में, ये बन रहा आपने हाथ में ना सकते, ठीक, जब मैं छोड़ूंगा तो सब अपने अपने दिशा, देखो सब जा रहे हैं ना इस तरीके से खुल रहा है तो सारे अपने डायरेक्शन जा रहे हैं, रेडियस के अलावा भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे। सोचो कि जब यहाँ से निकल रही थी सब रेडिएशंस तो वो भी स्फेरिकल निकल रही होगी, हर डायरेक्शन में बराबर निकल रही होगी, तो किसी भी समय पर अगर मैं यहाँ से कैप्चर करूंगा तो एक रिंग बनेगी बड़ी सी,
टू डी बनाऊंगा कि मेरी भाई मेरा प्लेन तो टू डी ही है ना, तो मैं टू डी जो बना सकता हूँ तो किसी भी डायरेक्शन में बनाऊंगा तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे भी बनेगा है ना, इस तरीके से एक आपका स्क्रीन के अंदर जाता है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, कहा जाए तो स्फीयर बड़ा होता जाएगा, लाइट उसी तरीके से फैलती जाएगी, समझ गए। अब फिर से सुनना, अब यहाँ क्या कह रहा हूँ देखो, तो यहाँ पर जा रहे हैं जब पास होता है तो उसके एटमॉस्फेयर, तो सन का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, गैसेस रिलीज होती है कि नहीं होती है, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। फिर वहां पर उसमें गैसेस क्या करती है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिजल्टिंग इन डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सन, जब वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी लाइट को तो एकाएक अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे लाइट ट्रेवल कर रही है तो लाइट उजाला है, एकाएक एब्जॉर्ब कर ले कोई तो गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत भी। तो जो एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होने के कारण क्या होता है, वो डार्क लाइन का एक पैटर्न हमें एक रिंग मिलती है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स डायरेक्ट लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम फोटोस्फीयर कैन नॉट रीच ऑन द अर्थ एंड ओनली रेज फ्रॉम द क्रोमोस्फीयर आर एबल टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस, एट दैट टाइम वी ऑब्जर्व ब्राइट फ्राउनहोफर, एक रिंग बनती है। कभी देखा नहीं क्या सूर्य ग्रहण, नहीं देखा देखा है कभी सूर्य ग्रहण, है ना। तो हमारे पास देखो ऐसा नहीं होता सूर्य ग्रहण तो पूरा अंधेरा नहीं होता है, इसका मतलब क्लियर है कि कुछ लाइट तो हमारे तक पहुंच रही है ना। तो यहाँ दो लेयर हो गई, देखिए पहला देखिए आपका सन है बहुत हाई टेम्परेचर पे, ऊपर देखिए क्या बन रहा है क्रोमोस्फीयर और नीचे क्या बन रहा है आपका फोटोस्फीयर। तो यहाँ पर फिर से इस लाइन को पढ़ लो, क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको रट जाना। सेंट्रल कोर से जब निकल रही है मतलब जहाँ सोर्स है वहां से इतनी लाइट निकल रही है वो कौन सा हो गया, फोटोस्फीयर हो गया, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं जब वो पास होता है फोटोस्फीयर से तो एटमॉस्फेयर जैसे पहुंचता है वैसे ही कुछ रेडिएशन क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इससे क्या होता है डार्क लाइन बनने लगती है, मैंने बोला ना जब आपका अंधेरा कैसे होता है एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कुछ आपके रेडिएशन खत्म हो गए, ठीक है। आगे कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ टोटल क्रोमोस्फीयर का है ना, ये देखिए ये जो एटमॉस्फेयर है वहां से जब एग्जिट करते हैं, मान लो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, स्पेस में जाते हैं ना, कहते हैं कि इस एटमॉस्फेयर से निकलेंगे तब कहेंगे स्पेस में आ गए, नहीं अर्थ को तो छोड़ दिया बहुत देर पहले ही। तो जो गैसेस का पूरा चैम्बर है हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर बना हुआ है ना, तो जब सारी लेयर पार करते हैं तभी कहते हैं कि स्पेस में आ, नहीं तो नहीं कहते हैं स्पेस में है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो वैसे ही भाई साहब ये हो गया तुम्हारा सरफेस जहां पर कोर है, यहां से जब निकल रही रेडिएशन तो ये क्या होगा, ये एक मीडियम हो गया जहां पर गैसें एक्सिस्ट करती है, और ये वो लेयर हो गई जहां से वो निकल रहे हैं इसके बाद, मेरी बात समझ रहे हो। तो जब इससे निकल रही, यहां से निकले 100 लोग पहुंचे यहां पर 20 लोग, तो 100 लोगों का जो है वो तो गायब हो गया ना, 80 लोग तो गायब हो गए, तो वो जो उसके से जो डार्कनेस आती है वही बनाती है कि हमारा डार्क सर्कल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही कह रहे हैं कि जो यहां पर स्फीयर है वो कौन सा, फोटोस्फीयर, और जो आपका जो उसके एटमॉस्फेयर के बाद जो वैक्यूम शुरू होता है तो वो चैम्बर जो है वो क्या है आपका, क्रोमोस्फीयर। अब इसे सरल भाषा में समझ नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया, तो जब आप सन को कैप्चर कर लोगे, सुन लो ध्यान से, सन को कैप्चर कर लोगे उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा ना कैप्चर कर लोगे, तो हमें जो मिलता है सोर्स ऑफ लाइट वो कहां मिलता है, क्रोमोस्फीयर से, समझ में आ गया। सूर्य ग्रहण कर लिया लेकिन तब भी क्रोमोस्फीयर तो बच गया ना, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास तक सनलाइट पहुंच रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया पहला एप्लीकेशन, ठीक है। इन डिजर्ट क्या होता है, रेत वाला, हॉट एंड नाइट कोल्ड जो कहते हैं ना, मैंने बताया था गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी है, अभी मैं लिख के टाइम बोल देता। Sand is rough and black, so it is good absorber and hence desert is क्या होता है, radiation from sun is incident on sand will be very hot, और क्योंकि सारी की क्या radiation को absorb कर लेता है। Now in accordance with the Kirchhoff's law, good absorber is good emitter, so night क्या हो जाएगी, will be cold। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पढ़ते हैं Stefan's law। चलो ये लिखो तुम, the amount of radiation emitted per second of radiation emitted per second, ठीक है, per unit area by आइडियल ब्लैक बॉडी IBB is directly proportional to the
फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर. ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैसे नोट करेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर. ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी. T क्या है आपका, ठीक बेटा, ये किसमें होगा, इन केल्विन, SI में होता है ना, हमेशा SI में लेते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो हमें मिलता है सिग्मा, सिग्मा T टू पावर 4. अभी सिग्मा क्या है, इसको कहते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट, कहते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 to the power -8. ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी ई की, यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4. ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि सिग्मा का यूनिट कैसे निकाला, बेटा ऐसे देखो, सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन टी टू पावर 4 हो जाएगा ना, ई क्या है वॉट पर मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है केल्विन. समझ में आया कि नहीं आया, केल्विन टू द पावर 4. दिस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली आइडियल ब्लैक बॉडी. लिख लीजिए ऐसे नोट करके, दिस लॉ इज ओनली ट्रू फॉर आईवीबी. ठीक है बेटे, नोट कर लें. डायमेंशन कौन बताएगा, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है डायमेंशन ऑफ सिग्मा. बताइए भाई कौन बताएगा, टेम्परेचर को थीटा से नोट करते हैं, क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी की पावर कितना, टी की पावर -3. देखो जूल है एम एल टू टी -2, एल टू नीचे से कट जाएगा मीटर स्क्वायर से. ठीक है, तो एल जीरो हो जाएगा, ठीक है, एम रह जाएगा और क्या रह जाएगा, टी. ठीक है, एम एल जीरो टी टू पावर -2 थीटा की पावर -4. ठीक है, ये हो गया बेटा तुम्हारा. ठीक, डन, नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, आगे बढ़े. यहाँ वॉट है, यहाँ वॉट है, जूल पर सेकेंड होता है, सेकेंड ऊपर आएगा, टी की पावर -2 बन जाएगा -3. मैंने जूल बोला, यहाँ वॉट था, -3 हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं. वॉट क्या सिखाया था मैंने, वॉट इज पावर, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट तो सही किया मैंने, लेकिन वो नीचे टाइम में मिस कर गया, मैंने जैसे का बता दिया. ठीक है, तो वॉट को जब लिखेंगे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, है ना, फिर सेकेंड ऊपर आएगा, मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा एल टू से, तो आपका टी की टू द पावर -3 बन जाएगा वो. ठीक है, और वहां जाएगा थीटा की पावर -4. दिस इज योर डायमेंशन. आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, सब चैप्टर खत्म होने वाला है, सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है और 2-3 टॉपिक है. ठीक है, उसी से रिलेटेड है. चलिए लिखिए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज टी नॉट, टेम्परेचर
ठीक है, और मान लेते हैं कि आपका जो टी नॉट है वो लेजर क्या है, टी, ठीक है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया ऑफ आईबीबी मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है, ये इक्वेशंस हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए रेट ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया फ्रॉम सराउंडिंग, पर यूनिट एरिया फ्रॉम सराउंडिंग कितना मान लेते हैं, ई टू मान लेते हैं, ई टू इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, सिग्मा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना गया था, टी नॉट, सिग्मा टी नॉट की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये हो गया आपका, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटे, नोट कर लें। नेट रेट ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, नेट रेट ऑफ, बिकॉज़ जो कैपिटल डी वो ग्रेटर है तो ई1 माइनस ई2 करेंगे, रेट ऑफ लॉस, ठीक है, ऑफ रेडिएशन तो क्लियर है कि यहां पर आईबीबी से रेडिएशन निकलेगा और सराउंडिंग में जाएगा क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर कम है और आईबीबी का ज्यादा है, ये पढ़ लीजिए ऊपर, टी नॉट सराउंडिंग का लिया और टी हमने आईबीबी का लिया, और जो एनर्जी आईबीबी के पास है वो ज्यादा है क्योंकि सिग्मा इज कांस्टेंट, दोनों में सेम रहेगा और यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला, मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे सिग्मा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, तो टी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी मतलब टी पे ही डिपेंड करती है एनर्जी, तो क्लियर हो गया कि सराउंडिंग में क्या होगा, रेडिएशन लॉस होगा, किसका एनर्जी लॉस होगा, आपका आईबीबी का, ठीक है। लेकिन नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया एरिया फ्रॉम आईबीबी इज क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस है ना, ठीक है जाएगा, सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 और सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 है ना, आगे नेट लॉस ऑफ रेडिएशन एनर्जी of radiation energy from entire surface, अभी तो मैं per unit area की बात कर रहा था ना, entire surface of IBB in time t, t क्या जाएगा, QIBB is equal to क्या आ जाएगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किससे, E से है ना, तो क्या जाएगा सिग्मा और क्या जाएगा आपका रिलेटिव एमिसिविटी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे है ना, क्या जाएगा सिग्मा A into T, एनर्जी निकालना है ना, तो क्या जाएगा सिग्मा A into क्या जाएगा T to the power 4 minus T not power 4 into क्या जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है इस तरीके से, ठीक है, ये तो हो गया आईबीबी के लिए, लेकिन किसी ग्रे बॉडी के लिए किसी ने कहा नेट लॉस निकालो, तो नेट लॉस फॉर ग्रे बॉडी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ रिलेटिव एमिसिविटी भी आ जाएगा, ए सिग्मा फिर क्या जाएगा उसका, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमने फिर भी क्या मान लिया टी मान लिया और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम टी टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट ही माना है और टाइम हमने स्मॉल टी लिया,
समझ लो बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर इतना इजी है, आप इतनी देर से एक भी बार आपको कोई प्रेशर फील नहीं हुआ होगा चैप्टर में, ऐसा कुछ नहीं पढ़ लिया जो बहुत ही रॉकेट साइंस है, हर चीज स्मूथ चल रही है। तो ऐसे चैप्टर जब होते हैं तो इनसे क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं कि जहाँ पे कंफ्यूज किया जाए आपको, और कंफ्यूज आप कब होंगे क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप मिस करोगे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसे दे दिया, इतना प्यारा फॉर्मूला बना दिया, आपको नेट लॉस कभी भी निकालना है आईबीबी तो तुम्हें मिलेगा नहीं यार, तुम्हें क्या मिलेगा, ग्रे बॉडी ही मिलेगा। ग्रे बॉडी को एज्यूम कर लेगा न्यूमेरिकल में कि आप इसको ट्रीट करो एज अ, मान लिया ईआर की वैल्यू 1 है, कह देगा रिलेटिव, अच्छा उसमें बोलेगा जानबूझ के बोलेगा कि ग्रे बॉडी है और आप कंफ्यूज हो गए, आप सोचोगे ये वाला कौन लगना चाहिए, और उसमें एक लाइन लिख देगा रिलेटिव एमिसिविटी कितना मान लिया हमने 1 मान लिया, अरे ईआर की वैल्यू 1 यही तो कंडीशन थी आईबीबी की, वो आप भूल जाओगे वहां पे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके के फॉर्मूले को आप यूज करोगे, आप यही देखोगे इसमें और इसमें कोई अंतर रह जाएगा अगर ईआर को हटा दे तो, हाँ तो यही चीज है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्टरबेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या, हमने ग्रे बॉडी का भी टेम्परेचर मान लिया कोई टी है और टी नॉट क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया, तो ये आपका लॉस कितना एनर्जी उसने क्या किया एमिट किया, अब एब्जॉर्प्शन पूछ देगा तो एब्जॉर्प्शन में क्या जाएगा, ये निगेटिव आना चाहिए एब्जॉर्प्शन में, अगर इस फॉर्मूले को यही जैसे यूज करोगे तो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो निगेटिव नहीं आएगा, और निगेटिव का मतलब हमने लॉस निकालता तो वही गेन कर देना, निगेटिव साइन को भूल जाना। अब ये चीजें क्विकली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो पूरे फॉर्मूले को दोबारा ड्राइव करो, इसको कहो E2 - E1 तब ये पॉजिटिव आएगा, है ना, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो एग्जामिनेशन क्रैक करने बैठा है उसको पता है कि निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव मतलब है कि अगर वो जो भी प्रोसेस होता है उसी का उल्टा हो रहा है, तो अगर ये रिलीज कर रहा था और अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिससे तुम परेशान हो गए एग्जाम में, सब कर लोगे, ठीक है। आगे लिखिए इफ इन टाइम टी, स्लाइड ऐड कर लो जरा, in time t, t नहीं करो dt करो, ठीक है छोटा टाइम ले dt, the net heat energy loss, the net heat energy loss for IBB, for IBB, for IBB is, हम कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं DQ, कितना मान लेते हैं DQ, and because of this, and because of this, this its temperature falls by अब कर लोगे, इसका मतलब है जो टाइम वाला फॉर्मूला था वो हट जाएगा, है ना क्या आ जाएगा, सिग्मा ए मतलब एरिया आ जाएगा, टाइम तो कट जाएगा डिनोमिनेटर में, जब पूरा करोगे तो ये टोटल टाइम ले लोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा ए टी टू द पावर पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, यही तो आएगा ना, यही तो होगा, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला रेट ऑफ लॉस का। तो एक था नेट लॉस, एक था आपका रेट ऑफ लॉस, ठीक है, ये आईबीबी के लिए था, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो इक्वल टू एमिटेड पावर और रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड, लिख लीजिए इट इज ऑल्सो इक्वल टू या फिर एमिटेड पावर कह लो और उसको रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड कह लो,
ठीक है ऐसे कर लो, इसको थोड़ा चेंज करना है, सॉरी एमिटेड पावर कर लो या फिर आगे लिखना रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड, हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है यहां पर हीट कर लो ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे ये दोनों सेम है, ये यहां पर हीट की बात कर रहे हैं या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं कि बॉडी ठंडी कितनी रेट किस रेट पे हो रही है, तो यहाँ पर जाएगा आर टी इज इक्वल टू, अब क्या जाएगा डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी, डी कैपिटल टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है इसका फॉर्मूला लिखिए क्या आ जाएगा सिग्मा ए टी पावर फोर माइनस टी नॉट पावर फोर अपॉन क्या जाएगा एम एस, ठीक है फॉर्मूला एक लिखवाया था क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू एम एस होता है, एम क्या हो गया मास और एस स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक फॉर्मूला इसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है एम इन टू एस जाएगा डी टी अपॉन, ठीक है ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं जिसको ये याद नहीं है जिसको ये याद है, ये हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है अब एक टेबल लिखवा रहे हैं इसमें, ठीक है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी अलग अलग बॉडीज़ के लिए, ठीक है वो बना लेना टेबल और याद कर लेना। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, चलो यहाँ कुछ अलग अलग बॉडीज़ हैं, पहली बॉडी क्या है भाई टू सॉलिड स्फीयर सेम मटेरियल और आपका टेम्परेचर क्या है टी और टी नॉट और स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है एस और डेंसिटी रो डिफरेंट रेडियस है आर वन आर टू, ठीक है यहाँ पर आर एच क्या हो जाएगा डायरेक्टली कौन सा जाएगा उसके रेडियस के और यहाँ पर आर एफ ठीक है ये क्या हो जाएगा वन अपॉन आर, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके रेडियस के, टू सॉलिड स्फीयर डिफरेंट मटेरियल है और यहाँ पर आपका पीछे वाले में सेम मटेरियल था इसमें अलग अलग है, ठीक है और टी नॉट की बात करें टेम्परेचर अलग अलग होगा नहीं तो फिर क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आर एफ का मतलब जान रहे हो रेट ऑफ फॉल, ठीक है और यहाँ पर रेट ऑफ फॉल का मतलब भैया रेट ऑफ कूलिंग, अगर नहीं याद हो रहा है तो लिख लो भैया ये रेट ऑफ कूलिंग है भैया, ठीक है या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ऐसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है इसलिए आर एच लिखा हुआ है, तो अब फिर से सुन लो ध्यान से दो सॉलिड स्फीयर थे सेम मटेरियल से बने हुए थे उनका सेम टी टी नॉट एस और रो था डेंसिटी सेम था हीट कैपेसिटी सेम था टी नॉट सराउंडिंग के लिए और आपका टी उसका टेम्परेचर, ठीक तो उसका रेडियस लेकिन अलग अलग था, जब रेडियस अलग अलग था तो किस पे डिपेंड करता है आपका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके रेडियस के स्क्वायर टाइम और रेट ऑफ कूलिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी जल्दी जल्दी आपका कूल होगा, ठीक है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और जितने रेडियस होगा उतनी जल्दी उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे टू सॉलिड स्फीयर है अलग अलग मटेरियल है लेकिन उसका टी और टी नॉट सेम है, अब यहाँ पर भी आपका आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यहाँ पर लेकिन आर एफ तो देखो क्या हो रहा है वो उसके रेडियस उसके डेंसिटी और उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तीनों पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है यहाँ पर डिफरेंट शेप बॉडीज क्यूब है स्फीयर है सिलेंडर है फ्लैट सरफेस है कॉन्स्टेंट डी टी नॉट वी और सेम मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए आर एच उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस और मिनिमम फॉर स्फेरिकल, ठीक है आर एफ क्या हो जाएगा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके लिए दिक्कत शुरू है ना, उसका मतलब रेट क्या हो जाएगा आपका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस मिनिमम फॉर स्फेरिकल, समझ में आ रहा है वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा स्फेरिकल
फ्लैट में क्या वॉल्यूम लेगा रे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ कम हो तो काम अच्छा है ना। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या, यार टेम्परेचर घट रहा है तो जो जिस रेट से घट रहा है वो बहुत स्लो हो जाए, बहुत कम हो जाए तो अच्छी बात है ना। मेरी बात समझ गए कि समझ गए। और हीट लॉस जितना स्लो हो उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ तो एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टू स्फीयर वन सॉलिड और अंदर हॉलो, ठीक है, टी टी नॉट एस ये सब सेम है, तो आर एस क्या हो जाएगा सेम फॉर बोथ, और आर एफ भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम फॉर हॉलो स्फीयर एंड मिनिमम फॉर सॉलिड, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल है, और इन सबका ये सारी चीज पैरामीटर आपके अलग अलग है। आर एस सेम होगा लेकिन आर एफ क्या हो जाएगा उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया आपका। ठीक, अगर चाहो तो लिख लो क्या है भाई, टी और टी नॉट क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, एम क्या है मास ऑफ बॉडी, एस क्या है स्पेसिफिक हीट, और रो क्या है डेंसिटी, वी क्या है वॉल्यूम। बता तो दिया ही है, अगर ना हो तो लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख दें कि लिख लोगे, पता है ना, ये तो सिंपल पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, क्या मतलब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है। व्हेन बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन देन कूलिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, ग्रेटर द एमिसिविटी फास्टर विल बी द कूलिंग। जितनी ज्यादा एमिसिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा कूलिंग बढ़ेगा। एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ग्रेटर द एरिया रेडिएशन सरफेस क्या हो जाएगा फास्टर विल बी द कूलिंग। मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी ग्रेटर द मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी स्लोअर विल बी द कूलिंग। जितने ज्यादा आपका मास होगा उतना स्लो कूल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ रेडिएटिंग बॉडी ग्रेटर द स्पेसिफिक हीट ऑफ रेडिएटिंग बॉडी स्लोअर विल बी द कूलिंग। क्यों, अभी पीछे पढ़ा करके आ रहा हूं टेबल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में था हमेशा, कभी न्यूमरेटर में आया एक भी बार, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसमें आपका न्यूमरेटर में आया। इसका मतलब जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए, उतना स्लो स्लो हमारा बॉडी ठंडा होगा, ठीक है। मतलब हीट स्टोर करना है किसी चीज में तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या बढ़ा दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी, वो ज्यादा देर तक हीट को क्या करेगा स्टोर रख सकता है, टेम्परेचर उसका रेट क्या है कम, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी फास्टर विल बी द कूलिंग। गुड एब्जॉर्बर क्या होगा गुड एमिटर। समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये था आपका स्टीफंस लॉ, उसके बारे में सारी डिटेल, और हमने लास्ट में पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कुछ नोट करना है पीछे, चलिए लिखिए रेट ऑफ कूलिंग डीटी अपॉन चलिए रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ठीक है ऑफ द बॉडी ओवर दैट ऑफ सराउंडिंग ठीक है। तो कह रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग किस प्रोपोर्शन होता है एक्सेस टेम्परेचर जो बॉडी का है ओवर दैट ऑफ सराउंडिंग। मतलब कि टी इज ग्रेटर देन टी नॉट होगा तो क्या होगा आपका रेट ऑफ कूलिंग होगा। अगर टी नॉट की वैल्यू ज्यादा है टी से तो कूलिंग कहाँ होगी, तब तो फिर आप खुद ही एब्जॉर्ब कर रहे होगे, है ना। ठीक, तो लिखिए इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर वही लिख लीजिए टी माइनस ठीक है यहाँ पर टी माइनस टी नॉट क्या होगा ग्रेटर देन 35 डिग्री ठीक है। तो नेगेटिव बी टी बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा टी माइनस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग है ना तो टेम्परेचर घट रहा है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी, पहले इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी बाद में कम हो गई। तो यार जब भी चेंज देखा जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमेशा न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, टाइम तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऐसा मान लो, अगर तुम इंस्टेंटेनियस नहीं समझना चाहते हो तुम्हें अगर डेल्टा समझना है, डेल्टा मतलब क्या था एवरेज चेंज, मान लो पहले आपका 40 डिग्री था बाद में हो गया 30 डिग्री,
तो 30 माइनस 40 होगा, माइनस 10 आएगा कि नहीं आएगा, डिवीजन मैंने कहा कि 10 सेकंड लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0 से 10 सेकंड के लिए, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका जो आंसर आएगा रेट ऑफ चेंज वो कितना आ जाएगा पर सेकंड के हिसाब से, 10/10 1 आ गया ना, 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीजिंग है, ठीक है। आगे लिख लीजिए टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, फटाफट लिख लीजिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट क्या है आपको पता है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, और टी माइनस टी नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस टेम्परेचर है ना, टी माइनस टी नॉट क्या है ये, एक्सेस टेम्परेचर, ठीक है। If temperature of body is decreased by dT, in time d small t, then rate of fall, then rate of fall, then rate of fall of temperature या in temperature is given by dT upon small dT, ठीक है, is equal to k times of T minus ठीक है, negative sign का मतलब जानते ही हो, वो नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, k क्या है, proportionality constant, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, बाकी सब खत्म हो गया, ठीक है, फटाफट दो चार न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशंस लिख लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए देखो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, कब तक डिक्रीज, ये समझना बहुत आसान है बेटा, देख पहले टेम्परेचर टी था, सराउंडिंग का टी नॉट था, कब तक होता रहेगा, कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक कि टी नॉट के बराबर ना जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा क्या, उससे नीचे नहीं जा सकता कभी भी, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम टी वन टू टी टू, फ्रॉम टी वन टू T2 and temperature of surrounding is and temperature of surrounding कितना है T naught is T naught then average excess of temperature is given by is equal to T1 plus T2 by 2 minus, ठीक है, ये है फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। और अब अगर हम चेंज इन, क्योंकि आपको पता है क्या मैंने बताया था, dT upon dT या फिर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल, मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ ना, तो एवरेज के लिए मैंने वो लिखा था कि रिलेट कर पाओ तुम लोग, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ गया, T1 से T2, T1 माइनस T2 अपॉन जो भी टाइम इंटरवल लगा, मान लेते हैं टी लगा 0 से स्मॉल टी टाइम, ठीक है, विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, वो नेगेटिव साइन कहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया, भैया ये देखो यहाँ माइनस था, T1 हायर है, T2 लोअर है ना, तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैसा आएगा प्लस के, मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसको गलत ना लिखें, क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 by 2 माइनस T1, ये लो भाई ये फॉर्मूला नया बन गया आपके लिए, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू में है भैया, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो, समझा पढ़ाने के लिए बस इस्तेमाल करना था मुझे, ये हो गया एक, ठीक है, ये
हो गया भैया? अरे एक एरर ढूंढ लिया मैंने अपने नोट्स में, अभी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर देखो ग्रेटर देन लिखी है, ये इसके बराबर नहीं होगा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं करना, 35 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, ये इसमें था और मैंने लिखवा दिया ग्रेटर देन। ठीक है, अभी मैंने ठीक कर दिया। लिमिटेशन के अंदर यही लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए लिमिटेशन, लिखिए भाई लिमिटेशन, टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड 35, टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड 35 डिग्री। इसका मतलब है टी माइनस टी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से। पहला पॉइंट, पहला लिमिटेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, सेकेंड क्या है, लॉस ऑफ हीट, जो भी लॉस हो रहा है शुड ओनली बी बाय रेडिएशन, शुड ओनली बी बाय रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन के ही थ्रू होनी चाहिए। दिस लॉ इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म बोल्ट्ज़मैन लॉ से कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग निकालेंगे। अब तुम कहोगे स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ का एक्सप्रेशन कहाँ है, तो आपने पता है पढ़ा तो आपने, लेकिन हमने वहां पर ये नहीं लिखवाया, दिखा देता हूँ पहले फिर इसका करते हैं। वो मुझे एक एक्सप्रेशन लिखा है, वो क्या स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ से ही आया हुआ है। ठीक है, वहीं से डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, आखिरी में यहाँ लिखिए, पहला डेरिवेशन फ्रॉम न्यूटन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, नहीं ऑफ होगा, ऑफ न्यूटन्स लॉ, ऑफ न्यूटन्स लॉ फ्रॉम बोल्ट्ज़मैन लॉ। ठीक है, वहाँ बोल्ट्ज़मैन लिख दिया। यार ये थोड़ा सा ना माफी चाहता हूँ, लेकिन गलती मेरी है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ये सब आजकल गड़बड़ चल रहा है। स्टीफन्स बोल्ट्ज़मैन, लिख लीजिए कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी गलती तो हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एम एस टी टू द पावर 4 माइनस। ठीक है, आपको पता है कि टी माइनस टी नॉट क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं चलो आगे बढ़े। yes, मैंने क्या किया ना, यहां से टी की वैल्यू उठा करके पुट कर दी माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया।
अब लगाऊंगा मैं बाइनोमियल, अब मैं क्या लगाऊंगा बाइनोमियल, मैंने पढ़ाया था ना एप्रोक्सीमेशन में बाइनोमियल क्या होता है, 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx if x is very very, मैंने पढ़ाया है ना ये, डायरेक्टली यूज करेंगे इसको हम, डेल्टा टी क्या है बहुत छोटा है कंपेयर टू क्या आपका t नॉट है ना, तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, हम t प्लस डेल नॉट डेल्टा टी ये 1 प्लस x की पावर इस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले पता है, हम पहले क्या करेंगे t नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने क्या सिखाया था, जब भी कॉमन लेना है तो मैंने सिर्फ ट्रिक सिखाई थी ना आपको कि ऐसे रट जाओ कि आप जिसको निकाल लो वो पहले बाहर निकाल लो, उसकी जगह क्या लिख दोगे 1, और फिर जहां से निकालो जहां नहीं था वहां डिवीजन में कर दो, ठीक। उसके बाद क्या सिंपल ब्रैकेट लगा लो, इसके बाद जो पावर थी वापस लगा दो, यहाँ 4 थी यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, यहाँ क्या जाएगा टी नॉट की पावर 4, यही सिखाया था ना मैंने, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो टी नॉट की पावर 4 को पूरा बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 अपॉन एम एस, अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा देखो ये ध्यान से देखो डेल्टा टी को मतलब छोटा सा चेंज है और डिवाइड कर दिया पूरे टेम्परेचर से, तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, तो इसका मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस nx लिख सकता हूँ 1 प्लस x की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 इनटू x कितना है डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा सिर्फ 1, लिख डालो। अब ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, अरे देखो एक ये प्लस 1 है एक उधर माइनस 1 है वो कट जाएगा। अब देखो फाइनल फॉर्मूला कैसे दिखेगा तुमको, यहाँ ऑलरेडी टी नॉट की पावर 4 था तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ क्या बचेगा देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1, ब्रैकेट में अभी हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या 4 टाइम्स ऑफ, तो मैं इस ब्रैकेट को नहीं लगा रहा, ठीक है बेटा, तो मैं मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तो ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी टू द टी नॉट, तो यहाँ से टी नॉट एक कट जाएगा, बचेगा जाएगा क्यूब, राइट, सब परफेक्ट हो गया, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या था, के टाइम्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, नहीं आ रहा सर, है ना, नहीं आ रहा, दिखाते हैं फॉर्मूला कैसे क्या होता था, व्हाट इज दिस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है और ये के डेल्टा टी भी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई जी, हैं, तो इसका मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर डिराइव हो गया, कैसे अभी दिखाते हैं कैसे, यहां से फाइनल आपका आ गया डी टी अपॉन, यही तो था, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, ठीक है, टी नॉट टू द पावर 3 अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया दिस इज माय के, तो ये देखो क्या बन गया, के क्या है बना कांस्टेंट, अरे भाई टी नॉट तो सराउंडिंग टेंपरेचर कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट ही है, तो वेरिएबल क्या है टेंपरेचर डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है के कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग के इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 अपॉन, ये क्या है बेटा कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा क्या टेंपरेचर डिफरेंस के, जो कि यहां पर प्रूफ हो गया न्यूटन्स लॉ, ठीक। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, लिखिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडियो, ठीक है, यहाँ पर दो हैं अलग अलग, एक ल्यूमर्स ऑफ प्रिंसेम का है और एक क्या है प्लैंक साहब का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर
क्या कर रहे हैं, एक बार स्पेक्ट्रल रेडिएशन लेके चल रहे हैं, और यहाँ क्या है, इमिसिविटी है, ये तो जानते हो ना, एनर्जी और ब्लैक बॉडी है ना। अरे भूल गए इतनी जल्दी, कैपिटल ई अभी भूल गए, पढ़ाए थे स्मॉल ई और कैपिटल ई पढ़ाए थे, बड़ी जल्दी भूल जाते यार तुम लोग। क्या लिखा, रेट ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, क्या है कैपिटल ई किसको डिनोट करता है, इसके लिए ना, ब्लैक बॉडी के लिए, स्मॉल ई किसके लिए होता है, ग्रे बॉडी या नॉर्मल कोई बॉडी है ना। तो यहाँ पर दो ग्राफ फटाफट बनाओ फिर समझाने स्टार्ट करते हैं। दो अलग अलग कर्व हैं ये, ठीक है। तो यहाँ देखो वेवलेंथ जैसे जैसे बदलेगा और टेम्परेचर जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपका ग्राफ देखिए बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले ल्यूमर्स और प्रिंसेम वाले में देखिए स्पेक्ट्रल रेडिएशन इंटेंसिटी जो है आपकी वो क्या है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर अलग अलग आपके मास है, देखो M1, M2, M3, मतलब तीन सब्सटेंस अलग अलग है, उनका टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो E है, E की वैल्यू भी तीनों में अलग अलग है। देखिए जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम, जिसका टेम्परेचर सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब ये क्या रेट की बात कर रहा है, किस रेट से रेडिएट हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भैया अभी तो पढ़ा था हम लोग ने, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो हाई रेट किसका, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ कम का मतलब क्या हो गया, हाई रेट ऑफ रेडिएशन। तो वैल्यू देखो, ई की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, एमिशन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और जब टेम्परेचर आपका कम तो वेवलेंथ भी आपकी कम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान से, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, दोनों बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और एक वेवलेंथ की बात कर रहा है, दोनों एमिशन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ एमिशन की बात हो रही है। देखो यहां पर फिर से देख लो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, रेट ऑफ एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ कहता है, कौन कहता है, ल्यूमर्स और प्रिंसेम कहते हैं, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हम कर बनाएंगे, और ये क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के। और हमने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता दिया, दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब आपकी वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और जब आपकी वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पहला कर्व पढ़ते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ एमिशन ज्यादा हो जाएगा। मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखवाया था, उसमें कहा था जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा हीट को, ठीक। टेम्परेचर कम तो स्लो रेट पर क्या करेगा भाई, रेडिएट करेगा, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा। अब बीच में कोई होगा तो इन दोनों के बीच में, तो रेट ऑफ एमिशन की वैल्यू देखो इसलिए वैरी कर रही है, सबसे ज्यादा जिसका टेम्परेचर जिसका सबसे ज्यादा उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा आपका रेडिएशन एनर्जी। E lambda 3 क्या है, सबसे ज्यादा, फिर E lambda 2 और फिर E lambda 1, समझ में आ गया। अब इसी का बगल में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बना हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिसका lambda सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो अब ये वाला जो ग्राफ था ये शिफ्ट होकर के कहां से ले जाएगा, उस तरफ, मतलब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी के मिरर लगाओगे तो उल्टा बन जाएगा। तो ये वाली इमेज है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो फ्रीक्वेंसी जब आपकी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, ई न्यू वन, यहाँ पे क्या है, न्यू कहते हैं इसको ना, फ्रीक्वेंसी के सिंबल को, दिस इज नॉट वी, ऐसे बनता है ये थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक। तो आप फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी तो एक्सिस चेंज हो गई, तो वैल्यू चेंज हो गई, तो ये कर्व इस तरीके से जाएगा। फिर टी टू वाले केस में टी टू हमेशा बीच में रहेगा लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, और मिरर की पॉलिशिंग इस तरफ है, तो मिरर पर जो इमेज बन रही है वो यही इमेज बन रही है, होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ था तो ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, इस तरफ, जो आपका करीब रहेगा मिरर से वो उतनी ही करीब इमेज बनाएगा। समझ में आ रहा है कि यार, ये इस तरीके से पढ़ा जाता है कि जो इधर बना रहे हो उसी का उल्टा डिजाइन वहां बना दो, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, कर्व बना लेना इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, ग्राफ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं अपने काम का। तो कभी भी अगर ऐसे आप कभी भी अगर रेट ऑफ एमिशन या फिर जो आपका स्पेक्ट्रल रेडिएशन इंटेंसिटी है वर्सेस लैम्डा का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा पता, एमिसिव पावर, क्या मिल जाएगा, एमिसिव पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा कर्व का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, यू विल गेट एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी।
क्वेश्चंस में ग्राफ दिया रहता है और आपसे कह देगा कि बताओ एमएससी पावर कितना है। जिसको नहीं पता ये सब वो नहीं कर पाएगा, उसको कहेगा इससे कैसे निकाल देंगे, क्योंकि कोई पैरामीटर दिया नहीं है। तो आपको सिर्फ एरिया अंडर द कर्व निकालना, एरिया सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब लैम्डा क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली इनवर्सली, इसे कहते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा इनटू टी ऑलवेज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी को। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे उसी लॉ के अंदर। लैम्डा टी वही है हमेशा, अगर ये कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट हमेशा वेवलेंथ इनटू टेंपरेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो अलग अलग बॉडी के लैम्डा 1 टी 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला है ना 2 into 4 is equal to 4 into 2, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि 2 और 4 बराबर है, मैंने कहा प्रोडक्ट बराबर है। रेशियो और प्रोडक्ट दोनों में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी कि वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे। इसका मतलब है कि अगर इसको कंपेयर करें तो लैम्डा इंक्रीज कर गया और टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ई ऑफ लैम्डा 1 क्या है, क्या भाई ये E लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, रेडिएशन इंटेंसिटी। भूल जाते हो जल्दी, देखो स्पेक्ट्रल रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी टू द पावर 5 के। ठीक है, एरिया निकालोगे तो जब यूनिफॉर्म रहेगा तब तो तुम निकाल लोगे, ट्रायंगुलर रहेगा ट्रायंगल निकाल लोगे, रेक्टेंगल रहेगा निकाल लोगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा, आपको इंटीग्रेशन लगता है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा कभी करती, याद है कुछ एमएससी पावर इज इक्वल टू पढ़ाया था, ये ग्रे बॉडी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, d lambda, और फिर मैंने यहाँ क्या लिखा था 0 से infinity, अभी पीछे पढ़ा करके आ रहा हूँ ये ग्रे बॉडी के लिए। और ब्लैक बॉडी ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ही बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए e is equal to 0 से infinity e lambda, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों एमएससी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया जो निकालते हैं वो कहीं ना कहीं हमको एमएससी पावर ही दे रहा है, बिकॉज यहाँ दो प्रोडक्ट है, एक e और एक क्या है d lambda, इन दोनों का ये E lambda किसको रिप्रेजेंट करता है, याद नहीं क्या, स्पेक्ट्रल हेडिंग लिखवाई थी, स्पेक्ट्रल एमएससी पावर, ठीक है, और फिर एक रिलेशन लिखवाया था मैंने, ठीक है, और एमएससी पावर और स्पेक्ट्रल एमएससी पावर का रिलेशन क्या था कि आप उसकी वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E जो कि एमएससी पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल एमएससी पावर इनटू D lambda चेंज इन वेवलेंथ, यही तो लिखवाया है, ये लिखा हुआ सामने, ठीक है। तो ये हो गया, तो एरिया सी हो गई, किसके बराबर होगा, ई किस, ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, सिग्मा टी की पावर 4। इसका मतलब ए1 अपॉन ए2 करेंगे, सिग्मा क्या है स्टीफंस कांस्टेंट, ये स्टीफन लॉ आ गया, सब रिलेट कर रहे हैं एक ही के अंदर, स्टीफंस लॉ आ गया। तो स्टीफंस लॉ के हिसाब से करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा भैया बताओ, सिग्मा इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे कैपिटल जी कांस्टेंट होता है पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ कैपिटल जी नहीं बदलेगा, वैसे ही स्टीफंस लॉ का जो कांस्टेंट होता है वो भी यूनिवर्सल है, वो कहीं भी जाइए आप स्टीफंस कांस्टेंट नहीं बदलता। इसका मतलब है कि जब हम अलग अलग एरिया प्रोसेक्शन के लिए करेंगे भी तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, आपका दो ग्राफ है उसका a1 अपॉन a2 हमेशा बराबर होगा t1 की पावर 4 अपॉन t2 की पावर 4, क्योंकि सिर्फ उसी पर डिपेंड कर रहा है। हो गया, ठीक है, डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक, लिख लो पीछे करना है, ये बनाओ भैया, सब बनाओ, ये वाला बनाओ, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक लाइन का ही है, ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है, लिखिए इसमें वेन साहब के हिसाब से द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन रेडिएशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है। इसका मतलब है लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंक्रीज, अ टेम्परेचर, दिस इज नोन एज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन्हीं का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी कहते हैं बी, ठीक है।
वेन्स कांस्टेंट, क्या है ये वेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है देखिए 2.89 × 10⁻³ एम क्या है रे? अगर किसी ने मिली बोला तो उल्टा लटका देंगे, इतना सिंपल होता है यार। देखो यार, देखो ध्यान से, ये बी है, देख व्हाट इज दिस वेवलेंथ, मीटर केल्विन, मीटर केल्विन, समझ में आया? डायमेंशन बताइए, मीटर हो गया एल वन और टी है ना, टी क्या हो जाएगा जीरो, एम जीरो एल वन टी जीरो थीटा टू पावर कितनी आ जाएगी वन, ठीक है। तो डायमेंशन भी लिखी लो इसकी, m0 l1 t0 theta power 1, ये हो गया तेरा डायमेंशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन, यही लिख लो ऐसे, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, ठीक है। क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C upon V into T, C जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होता है, B जानते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट होता है, और जिसको अभी भी नहीं पता लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करोगे इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये सब पता है क्या, बड़ा जूनियर क्लास में पढ़ाया आपने, लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ाया गया है ये सब, मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ और इसका क्या रिलेशन होता है। चलो कोई नहीं, हम पढ़ा दे रहे, ठीक है, डन। जिसको कुछ नहीं आता है, नौवीं कक्षा पढ़े हो, स्पीड बराबर क्या होता है भैया बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय। अरे हम लोग को तो सब आता है, स्पीड क्या है यहाँ, सी स्पीड है, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, जिससे मतलब क्या हो गया वेवलेंथ अपॉन टाइम चाहिए, ले भाई टाइम पीरियड, टाइम क्या होता है, एंटी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वेव जब पूरा अपना टाइम साइकिल कंप्लीट कर लेती है उसका रिपीट करती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर कर सकती है, यूनिक जो वेव होती है, देखो यूनिकनेस कब तक मेंटेन होती है, जब तक ये टाइम इंटरवल टी अचीव नहीं जाता, जैसे टी होता है फिर वापस से रिपीट करना स्टार्ट, तो यही दूरी जो होती है इसी कहते हैं वेवलेंथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और 1 अपॉन टी क्या होता है रे जरा, फ्रीक्वेंसी, मैंने प्रूव कर दिया, इच्छा तो नहीं थी लेकिन कर दिया मैंने, पर सेकंड, यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, पर सेकंड मतलब 1 अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, नोट कर लो। अगला जो है वो टेम्परेचर वाली बात लिख लेंगे, लेकिन सोलर कांस्टेंट लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे थोड़ा सा, वैसे है ही नहीं, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सन पढ़ो, सोलर कांस्टेंट लिखवाना भी नहीं था, हम लोग निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ सन, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सन, लेट कैपिटल आर बी द, फटाफट लिखो आखिरी टॉपिक, रेडियस ऑफ द सन, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, एंड डी, एंड डी बी द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड डी बी द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ नहीं, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, फिर सुन लो क्या कह रहे हैं, ये सन है, इसका रेडियस आर है, अब जो अर्थ जो इसके इलेक्ट्रिकल होती है पता है हमें, लेकिन हम इसको सर्कुलर मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऑर्बिट का जो रेडियस कितना मान लिया हमने, डी मान लिया, ठीक है, तो ये होता है। अब आगे लिखिए एनर्जी, लेट ई, पुलिस साहब का लिखिए, लेट ई बी द एनर्जी एमिटेड बाय सन, एमिटेड बाय सन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, द टोटल एनर्जी एमिटेड विल बी टोटल
ये क्या है, स्मॉल ई है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना, मैं को टोटल एनर्जी निकालना है, एनर्जी इनटू एरिया कर दूंगा है ना, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, ई इनटू ए, ए क्या है, ये स्फेरिकल होता है, तो ई इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो हो गया ना एनर्जी, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सन, ठीक है। आगे लिखिए, अच्छा मुझे ये बताओ, जितना इसने एमिट करा और जितना आपके बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, डी ना। अब इस पूरे स्फीयर पर, क्योंकि ऑब्वियसली सारा का सारा तो अर्थ को नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो एनर्जी मिलेगी वो पर यूनिट एरिया ऑफ दिस बिगर ऑर्बिटल जो आपका स्फीयर है उसके हिसाब से मिलेगी पर यूनिट टाइम, यही तो होगा ना फॉर्मूला। तो यहां पर लिखिए, लिखिए द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, द एनर्जी फॉलिंग, ये तो निकल रही है इतनी एनर्जी, इतनी मिल रही है, फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ई अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो किसको क्वेश्चन पर बनना है, सब लोग हां अपना विक्ट्री वाला साइन करो, कहां पहुंच गए थे, हां तो ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो यहां से फार्मूला बन गया आपका ई आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब R की वैल्यू पुट कर दीजिए, D की वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी E की, ठीक है। और इसी कहते हैं सोलर कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू एस नोन एज सोलर कांस्टेंट। अभी मैं सारी वैल्यूज आपको बताता हूँ, ठीक है, डन, इतना लिख लो, क्वेश्चन भी करके ही जाएंगे। बस ये हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे, हाँ हाँ, बस घर पहुंच जाना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास कहीं एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे एक्स्ट्रा मत करने लगना मुझे, चलो ये करो करो करो, R is equal to 7 into 10 to the power 8। अच्छा ये गायब हुआ था ना, इसके चाचा यहाँ ऑफिस में आ गए थे, कहाँ गायब हो गए थे, कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल कर लो, नहीं तो भी तुम सारा हिस्ट्री निकाल लोगे। सिग्मा इज इक्वल टू 5.7 into 10 power, ये तो पता ही, ये लिखवाया था माइनस ए, ठीक है। और क्या बचा, सब बता दिया। अब हम निकाल सकते हैं एस की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई तो निकालना आता ही है, स्टीफन्स लॉ पढ़ा था, टी टू द पावर 4, ठीक है, हमें चाहिए क्या, टी चाहिए, तो यहां से आ जाएगा एस क्या है, सोलर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हम लिखवा देते हैं, लिखिए सोलर कांस्टेंट, लिख लीजिए एस की वैल्यू, लिख लीजिए एस इज इक्वल टू, लिखिए वॉट में, पहले लिखिए 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखिए 1.97937 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलोरी मीटर कैसे हो सकता है, कैलोरी सीजीएस में, यहाँ ऐसे लिखो जूल पर सेकंड की तरह, ऐसे सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर, और यहाँ जाएगा मिनट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे बाद में, ठीक है, हम लोग वॉट वाली वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि एसआई में कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से हमारा रिलेशन बन गया, टी इज इक्वल टू क्या जाएगा,
ई अपॉन सिग्मा पावर दे जाएगा 1/4, ठीक है ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर बॉडी का निकालने यहाँ पे नहीं, इसको एस के अंदर पुट करके करेंगे, मतलब क्या निकलेगा, ये तो किसी बॉडी के लिए निकल जाएगा ना, ये जो टी निकालोगे तुम बॉडी का निकलेगा, ये गलत हो जाएगा। अब सही कैसे होगा, देखो एस इज इक्वल टू क्या था, एस इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर चाहे तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा टी की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टी टू द पावर 4 T to the power 4 is equal to S D square upon sigma R square होगा बेटा, ठीक है। T is equal to क्या जाएगा S D square upon sigma R square power कितना जाएगा 1/4, ठीक है, जहां पे D की power 1/2 हो जाएगा और R की power 1/2 हो जाएगा, लेकिन S और sigma की power 1/4, सारी value उठा के put करेंगे आप जब solve करेंगे, सबकी value मैं put कर देता हूँ, जाएगा 1340 into सबकी value लिखी हुई ना, put करो जरा 1.5 to the power 11 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा की वैल्यू है 5.7 टेन पावर माइनस 8 का, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, आर कितना है 7 टेन पावर 8 स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी 1/4, ठीक है। जब सब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5732 केल्विन, दिस इज योर टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है। सबका हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपका कंप्लीट हो गया है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंप्लीट हो गया टॉपिक पूरा, ठीक है। स्टार्टिंग क्या पढ़ लिया हमने, थर्मल एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगले सेशन में न्यूमेरिकल्स करने के बाद स्टार्ट होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो आपके पास दो चैप्टर हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो दिया है, इफ लैम्डा एम फॉर द मून इज 14.5 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन दिया है, आप प्रीफिक्स याद होना चाहिए, तो करें टेम्परेचर निकालो, इसका क्या निकालने करें, टेम्परेचर निकालिए, सॉल्व करिए, फॉर्मूले अभी लिखवाया है मैंने, लैम्डा इंटू टी क्या होता है इज ऑलवेज इक्वल टू वेन्स कॉन्स्टेंट, है ना, और वेन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है, टी हम निकाल सकते हैं, लैम्डा दिया हुआ है, माइक्रोन मतलब माइक्रो 10^-6, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा T is equal to B upon lambda m, B की वैल्यू उठा के पुट करिए, B की वैल्यू कितनी थी 2.89 10^-3, ये कितना हो जाएगा 14.5 10^-6, ठीक है, सॉल्व करिए, यू विल गेट 199.3 केल्विन, ठीक है, ये आ गया 198.3, ये 9 कम जी ज्यादा लग रहा है, जब जी बनाते हैं 9 लगता है, क्या ही सिस्टम। चलिए ये क्या लिखा था, लैम्डा टी इक्वल टू ऊपर तो चला रहा बी, अब तो लग रहा है टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए बॉडी इज 400 जूल इफ 20% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक, तो क्या हो गया ये आपका क्यू आर, ठीक है, एंड 120 जूल इज एफ द क्यू ए हो गया, देन फाइंड आउट ट्रांसमिटेड क्यू टी, पूछ दिया आपसे, है ना, ट्रांसमिटिव पावर पूछ रहा है आपसे, करो कैसे करोगे, क्यू टी पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या था, तीन हिस्सों बढ़ता है सर, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस, वहां पर हम कोफिशियंट के फॉर्म में लिखते थे, तो रेशियो के फॉर्म में लिखते थे, अब हम सीधे पूरी पावर, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q
क्यू लिखा हुआ है तो हम क्यू लिखेंगे, क्यू अपॉन टी लिखा होता है तो क्यू अपॉन टी लिखते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये है, तो आपको पता है कि इन सबका सम किसके बराबर होगा, इंसिडेंट के बराबर। इंसिडेंट कितना है 400, ठीक है। 20% 400 का निकालना आता है कि नहीं आता है, कितना हो जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट व्हाट, हां 80 हो जाएगा। हाँ बाबा हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 80 प्लस 120 प्लस QT 120 यहाँ चला गया और ये कितना QT, अब QT पूछ गया यार क्वेश्चन में, ठीक है। अब पावर निकालना है तो QT अपॉन Q इंटू 100 कर देंगे, है ना। पहले हमने क्या निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली, एनर्जी को पावर कन्वर्ट करना है तो एनर्जी का रेशियो का QT अपॉन Q, ठीक है, ट्रांसमिटिव जो आपकी एनर्जी थी अपॉन टोटल एनर्जी इतनी इंसिडेंट हुई इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। पीछे फॉर्मूला है देख लेना, ट्रांसमिटिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और वो लिखवाया था रिफ्लेक्टिव पावर। नहीं मिला तुम्हें आयुषी? चलो ठीक है, फिर क्या करने जाए, सबको आगे आ ही रहा, ठीक है। तो ये हो गया बेटे, तो यहाँ से क्यू टू की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई ये 200 और एब्जॉर्प्टिव ट्रांसमिटिव पावर बोला गया है ना, ट्रांसमिटिव पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन क्यू इंटू, ठीक है, ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट अपॉन इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 200 अपॉन 400 इंटू 100 कितना आ गया, ठीक है। देखा जाए तो ऐसे ही आंसर आ गया था, ये देखो ये 50% दोनों मिलके बचा 50, आंसर तो वैसे ही हो गया था, सॉल्व ही नहीं करना था। क्वेश्चन ऐसे रीड करते 20% 80 120 200 बचा 200, मतलब 50% इधर हो गया, 50% अकेले को लेके जा रहा है, मतलब 50% आपका ट्रांसमिट होगा, 50% में से 20% रिफ्लेक्ट हो जाएगा और 30% एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सीख रहे हैं इसलिए पूरा करवाया। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट इज इनकैंडेसेंट लैम्प इज 2000 केल्विन, अच्छा जब वो जलता है तो कितना है इसका टेम्परेचर, कितना 2000, ठीक है, एंड इट्स एमिसिविटी इज 0.3, एमिसिविटी भी दिया हुआ है 0.3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट ऑफ अ 25 वाट लैम्प, स्टेफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। आपसे पूछा गया है क्या, पावर आपको दिया गया है, आपसे बोला गया है क्या निकालो भाई एरिया, क्या कहा गया है एरिया, तो कैसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ लैम्प, यही तो होगा ना, रेट ऑफ एमिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पावर को ही तो रिप्रेजेंट करता है यार, अरे क्यू अपॉन टी पावर ही तो होती, कितनी बार पढ़ा है, तीसरी बार बोल रहा हूँ ये मैं, तो ये रेट ऑफ एमिशन हो गया, रेट ऑफ एमिशन और पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया है वोल्टेज ऑफ लैम्प 25 वॉट, ठीक है, क्या है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, रेट ऑफ एमिशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑफ लैम्प, रेट ऑफ एमिशन निकाल लेंगे हम लोग, कैसे फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ए क्या हो गया रे, कुछ नहीं पढ़ ले यार, क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है, रिवीजन करिए पीछे, भाई कितना दिया है ये 25, कितना दिया हुआ है 25, हमें ए निकालना है तो हम ए को छोड़ के बाकी सब छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 अपॉन ई सिग्मा टी टू द पावर, है ना, सॉल्व कर लो, ई 0.3 दिया हुआ है, सिग्मा आपको गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है 2000, चलेगा 25 अपॉन 0.3 इनटू सिग्मा कितना है 5.67 10 टू पावर -8 इनटू 2000 पावर, सॉल्व करिए आंसर निकल गया, कितना आएगा ये 0.918
into 10 to the power, this is your answer. जब हो जाए तो मुझे बता दो। चलो ये करो, आंसर सामने है तुम्हारे। चलो ये देखो ये कैसे बना, ये बना कैसे, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है गलती हो गई लेकिन चलो हम लोग बनाते हैं। सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है कैसे करेंगे, लॉग लगा दो दोनों तरफ, चल जाएगा लॉग ई, चल जाएगा सिग्मा कांस्टेंट है ना, सिग्मा टी टू द पावर 4, चल जाएगा लॉग सिग्मा टी टू द पावर 4, ये फॉर्मूला लॉग एम इनटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा तो यहां लॉग ई दे, लॉग ई इज इक्वल टू लॉग सिग्मा प्लस log या 4 log t, अभी कैसे कर दिया यार, दो फॉर्म में बेसिक मान जाके देखना, log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और एक फार्मूला है log m टू द पावर n, क्या होता है n log m, ये दोनों फॉर्म में हम डायरेक्टली यूज किए, ठीक है क्या हुआ, ठीक है तो ये आ गया आपका, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है y एक्सिस हो गई m x प्लस माइनस सी, इसको ऐसे लिख दो 4 log t प्लस log सिग्मा, क्योंकि c क्या है कांस्टेंट, तो m स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप आ गया आपका 4, कितना आ गया स्लोप 4, और log t क्या है, log t ये, ठीक है x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है log t, तो आप एक ग्राफ बनाएंगे जिसका स्लोप क्या होगा 4, क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, बिकॉज ये लीनियर है, किसी की पावर 1 से ज्यादा है क्या, नहीं, तो आग बंद करके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, क्या था स्ट्रेट लाइन, ठीक है चलो डन। तो इसको करने का जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूं, ये शिफ्टिंग होती है तो कांस्टेंट की वैल्यू जितनी आएगी उतना ही ये क्या करेगा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ये इस तरीके से आपका फॉर्म बनेगा, सिग्मा लेस देन 1 है तो इट क्या हो जाएगा लॉग भी इसका नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसीलिए यहां पर जो है शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो रही है, ये लिख लो, ये बात लिखो, सिंस सिग्मा इज लेस देन 1 सो log सिग्मा विल बी नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, तो इसका फाइनल इक्वेशन अगर लिखूंगा तो कंपैरिजन बनेगा तो माइनस सी से बनेगा, किससे बनेगा माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और माइनस सी मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करो क्या है, इफ टेम्परेचर ऑफ आईवी बी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, हमने क्या कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 50% से, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस, तो कह रहे हैं कि उसके सरफेस से कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है करो, तो अगेन फॉर्मूला एक ही है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टी टू द पावर 4, क्या है टी टू द पावर 4, तो ई डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, यहां पर इंक्रीज कितना आ रहा है बताओ 50%, हम 1.5% हो गया कि नहीं हो गया, 1.5% ऑफ t, ये नया वाला क्या जाएगा 1.5 t टू द पावर 4, तो मैं लिख सकता हूं e डैश विल बी 1.5 टू द पावर 4 इनटू t टू द पावर 4, जिसको नहीं आता है भैया देखो 2 इनटू 3 है, ठीक है की पावर, अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो हम 2 की पावर 4 अलग कर सकते हैं और 3 की पावर 4 अलग कर सकते हैं, ये दोनों बात सही है, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो तो यहां पर अगर देखा जाए 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, ठीक, हमसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है,
और 15 अपॉन 10 को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज की बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, जो चेंज आया अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, परसेंट जो चेंज आ रहा है आपका किसमें, जो आपका इंक्रीज है रेडिएशन के अंदर, वो कितना रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो चेंज आया अपॉन जो ओरिजिनल एनर्जी रेडिएशन पहले हो रही थी, तो अब बाद में जितना जो हमने इंक्रीज किया उससे कितना चेंज आया, उसके लिए पहले हमें ई डैश को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखें यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3/2, 5 × 15, 5 × 10, ठीक है, और ये हो जाएगा e^4, तो ये हो गया तुम्हारा ई डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंबल। इससे क्या हो जाएगा 3^4 हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई 81, और नीचे क्या जाएगा 2^4 16 होता है, तो मैं कह सकता हूँ ई डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा 81/16 टाइम्स ऑफ e^4। अब मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ किससे, ई से, किससे रेट कर सकता हूँ ई से, पुराने वाले में इसमें क्या अंतर है 81/16 टाइम्स ऑफ e^4, अगर रेशियो निकालेंगे तो दोनों की जो कांस्टेंट वाली है वैल्यू, जो कि क्या होता है स्टेफेंस कांस्टेंट, वो तो कट ही जाएगा, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे बाबा इन दोनों में अगर जो पुरानी और नई वाली है उन दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना, स्टेफेंस कांस्टेंट सिग्मा ही तो आएगा, सिग्मा इसमें भी आएगा, अगर हटाओगे तो लिखोगे e is equal to sigma t^4 और e dash में लिखोगे sigma 81/16 t^4। मैं कह सकता हूँ e dash is equal to 81/16 times of e, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, सही है। तो अब मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो ये चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 ये इसका आंसर है, ये इसका चेंज है, तो कर डालो, तो क्या जाएगा 81/16 t^4 -t^4 अपॉन, अब वो सिग्मा यहां ना लिख करके मैं t^4 लिख रहा हूं सिर्फ, अब बताना अगर समझना है तो, इनटू 100। आपको वैसा गलत कर दिया, अरे सिग्मा यहाँ होना चाहिए, सिग्मा यहाँ होना चाहिए, नीचे भी सिग्मा t^4 होगा, सिग्मा सिग्मा कटने जाएगा, सिग्मा कॉमन लोगे तो, और अभी तो हम टी को भी निपटा देंगे, t^4 कॉमन लोगे नीचे कट जाएगा, बचेगा कि 81/16 - 100, यही तो बचेगा ना, आंसर निकालो जितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है ये 406%, कितना आएगा ये 406% अप्रोक्सीमेटली, ये 406% आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 406% अगर ये आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं 400% इंक्रीज हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400% इंक्रीमेंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, अगली क्लास में हम लोग वो क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन चैप्टर को जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो देखो फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं, पूरे चैप्टर में पूरा अभी तक पढ़े कितने फॉर्मूले बने, मुश्किल से 6-7 है ना, इससे नहीं बने, पूरा आगे थर्मल एक्सपेंशन से पढ़ डाला सिर्फ 2 फॉर्मूले बने है ना, स्पेशल हीट कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूला था सब तो रिलेट हो रहे थे है ना, तो एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए बना एमएन वाला और एक बना एमएस इनटू डेल्टा थीटा, और यहाँ के अपना स्टेफेंस लॉ पढ़ा, वेन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, यही सारे फॉर्मूले हैं 2-4 और मिला लेंगे टोटल 6 फॉर्मूले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर भी क्यों नंबर नहीं आ रहे, फिर क्यों नंबर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लिंकेज बहुत ज्यादा है, किसी चीज को भी कहीं भी लिंक कर सकते हैं, और जब तक आप वो डेफिनेशन थ्योरी नहीं अच्छे से जानेंगे तब तक आप उससे निकल नहीं पाएंगे, क्वेश्चन क्या करेगा थ्योरी में तुम्हें उलझा देगा जिससे कि तुम्हारा नंबर आता हो क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाओगे कोई ना कोई प्लस माइनस, तो इसमें एरर कम हो सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे रीजन क्या है आपका कंसेप्ट वीक है, तो इस चैप्टर को करना है तो आपको थ्योरी रटना पड़ेगा, समझना है और रटना है, माइनर डिफरेंसेस हैं वो याद रखने हैं, शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे कि डिफरेंस क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट और आपका थर्मल कैपेसिटी के बीच में, डिफरेंस क्या होता है थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में, मास m के लिए निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, यूनिट मास के लिए निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ऐसे शॉर्ट नोट में माइनर डिफरेंस आपको लिखने हैं, जो भी टॉपिक रिलेटेड है एक ही पेज पर होने चाहिए फ्लो चार्ट की तरह, कि इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो रिवर्स ऑर्डर करने में आसानी रहेगी, एक पन्ना लेकर के आप उसको रिवाइज कर लोगे चैप्टर तैयार हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है इसमें आपका मंत्र और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और लास्ट में बचेगा थर्मो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।